नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर वन बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था डीटी का। सबसे पहले मैंने बताया था टैक्स क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज जो गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाती है। कंपलसरी आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स दो तरह के होते हैं, इनकम टैक्स, ब्लैक मनी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भी दो तरह के होते हैं, जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी। अब सबसे पहले अब देखा था अपने इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है। इनकम टैक्स में क्या होता है, टैक्स पेयर एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स किससे मांगती है, टैक्स पेयर पे, जो भी वो इनकम अर्न करता है। और टैक्स पेयर क्या करता है, डायरेक्टली अपनी इनकम पे जो भी टैक्स बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स के मैटर के लिए, इनकम टैक्स के मैटर के लिए एक बोर्ड बना रखा है जिसको क्या बोलते हैं अपन, सीबीडीटी। और सीबीडीटी सारे टैक्स के, इनकम टैक्स के मैटर देखता है। अब सीबीडीटी के पास से काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो सीबीडीटी ने कंप्लायंस वगैरह चेक करने के लिए, एसएससी की असेसमेंट करने के लिए, एसएससी की चेकिंग वगैरह करने के लिए एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना रखा है। इस डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते हैं जिनको अपन मेनली क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर्स। उसके बाद अपन ने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर मिली। अब कहाँ से कैसे मिली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे आर्टिकल है। आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल बोलता है, तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंट्रेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कंट्रेंट लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। तो यूनियन लिस्ट में काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं। तो एंट्री नंबर 82 बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। और इसी को यूज़ करके इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाया गया है जो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। अब एग्रीकल्चर इनकम पे कौन टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट की बोलती है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है, लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया। इसके बाद आपने देखा था इनकम टैक्स लो जो आपके कोर्स में है उसके क्या क्या सोर्स हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो उसके लिए आपको एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना पड़ेगा, एक इनकम टैक्स रूल्स 1962, एक एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सा, फाइनेंस एक्ट 2021 जो सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है डिपार्टमेंट वालों को डाउट्स वगैरह आते हैं उनको दूर करने के लिए, वो सर्कुलर भी अपन को देखने पड़ेंगे। सर्कुलर डिपार्टमेंट वालों के बाइंडिंग होते हैं, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। एक सीजी या क्या बोलते हैं सीबीडीटी नोटिफिकेशन इशू करता है वो भी देखने पड़ेंगे, और ज्यूडिकल डिसीजन भी अपन को देखने पड़ेंगे। फिर डेफिनेशन देखी पर्सन में, पर्सन की डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन देखिए, 7 पर्सन अपने देखे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन। इनके अलावा भी कोई भी पर्सन में कवर हो सकता है, जैसे कॉपरेटिव सोसाइटी है, डेफिनेशन में नहीं है लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो कॉपरेटिव सोसाइटी भी क्या मानी जाएगी, पर्सन मानी जाएगी। फिर असेसी देखा, असेसी मतलब कोई भी पर्सन जिसको इनकम टैक्स में या तो टैक्स पे करना है या इंटरेस्ट पे करना है या पेनल्टी पे करनी है, वो क्या बन जाएगा, असेसी बन जाएगा। और असेसी में डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट दोनों कवर होंगे। उसके बाद देखा अपने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, टैक्स पेमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम अर्निंग ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का पीरियड होता है। प्रीवियस ईयर छोटा भी हो सकता है, न्यू बिजनेस के केस में न्यू बिजनेस की डेट से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, और अदर केस में 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च मतलब 12 महीने का होता है। अब फाइनेंस एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है आपके लिए वो है 21-22, और रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, 22-23। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे वाला साल होता है और असेसमेंट ईयर जस्ट आगे वाला साल होता है। फिर अपन ने जनरल रूल देखा, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगता है, असेसमेंट ईयर में लगता है, लेकिन इसे कुछ एक्सेप्शन देखे। सबसे पहले वो केस देखे जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाता है। 5 केस थे, पहला केस था इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, दूसरा कोई पर्सन इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है या लंबे समय के लिए छोड़ के जा रहा है, तीसरा डिसकंटिन्यूड बिजनेस, चौथा कोई पर्सन असेट ट्रांसफर कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, और पांचवा AOPBY या आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन अगर पार्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म हुए, तो ये 5 केस इसमें कवर होंगे। फिर अपन ने देखा ऐसे केस जिसमें इनकम कब टैक्सेबल होगी, जब डिपार्टमेंट वालों के पकड़ में आ जाएगी, AO के पकड़ में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे ब्लैक मनी, इंडियन ब्लैक मनी की बात हो रही है, अनडिस्क्लोज इनकम की बात हो रही है। अब कौन कौन से सेक्शन देखे, इसमें सबसे पहले सेक्शन 68 देखा अपन ने, कैश क्रेडिट का। आपके बैंक में पैसा आए जा रहा है, बुक्स में पैसा आए जा रहा है, क्रेडिट हुए जा रहा है, और आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या जो सोर्स एक्सप्लेन करते हो एज पर AO अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो आपकी बन जाएगी ब्लैक मनी। दूसरा, आपने किसी जगह इन्वेस्टमेंट किया लैंड वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह में, और उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, फिर आप उस पैसे का सोर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या सोर्स एक्सप्लेन करते हो AO के अकॉर्डिंग क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो बन जाएगी आपकी ब्लैक मनी। फिर अपने देखा, आपने बिल्डिंग लैंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया मान लो, और बुक्स में आपने मान लो 2 करोड़ का रिकॉर्ड किया, फुली रिकॉर्ड नहीं किया, फिर आप बचे हुए अमाउंट का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या जो सोर्स एक्सप्लेन करते हो AO के अकॉर्डिंग अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो बन जाएगी आपकी ब्लैक मनी। इसके बाद आपने कोई खर्चा किया जिसका आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या सोर्स एक्सप्लेन करते हो AO के अकॉर्डिंग क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो खर्चा क्या बन जाएगा, आपकी ब्लैक मनी बन जाएगी। इसके अलावा ब्लैक मनी का एक और सेक्शन था, सेक्शन 69D, अगर आप कैश में लोन लेते हो, कैश में लोन रिपे करते हो बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी लिखा पढ़ी के, वो कवर होता है 69D में। अदर देन अकाउंट पे चेक करते हो, तो जो भी अमाउंट आपने बोरो करी वो आपकी इनकम बन जाएगी, और जो भी अमाउंट आपने रिपे करी वो आपकी इनकम बन जाएगी। लेकिन एक बार अगर बोरोड अमाउंट आपकी इनकम बन गई, मान लो आपने 5 लाख रुपए बोरो किए थे, तो 5 लाख आपकी इनकम बन गई, रिपेमेंट के टाइम पे वो इनकम नहीं बनेगी, एक बार ही बनेगी, या तो बोरो के टाइम पे या रिपेमेंट के टाइम पे। अदर पॉइंट देखे, जो
जो ब्लैक मनी वाली इनकम है इन पे 78% की रेट से टैक्स लगेगा, स्पेशल रेट लगेगी सेक्शन 115 BBE वाली। इसके अलावा इन इनकम में से किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होंगी। इन इनकम से आप कोई भी लॉ सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा इन इनकम से इंडिविजुअल को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट होता है वो भी नहीं मिलेगा। फिर अपने देखा चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स का, सेक्शन 4, ये बोलता है इनकम टैक्स लगेगा एवरी पर्सन के ऊपर लगेगा, एवरी पर्सन की टोटल इनकम के ऊपर लगेगा, या तो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जो जनरल रेट दे रखी है उससे लगेगा, या इनकम टैक्स एक्ट की स्पेशल रेट से लगेगा। अब टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले रेजिडेंसी स्टेटस निकालेंगे अपन की पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, उसकी हर हेड की इनकम निकालेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। यहाँ जो क्वेश्चन आएगा टोटल इनकम का वो कंपनी का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, मेनली जो इनकम होगी इसी होगी PGBP हेड की, BNP हेड की होगी। उसके बाद क्लबिंग करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपकी आ जाएगी ग्रोस टोटल इनकम, इसमें से चैप्टर 6 के डिडक्शन लेस कर देंगे, आपकी आ जाएगी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, और इसी इनकम पे अब टैक्स लगेगा। इसमें से जनरल रेट इनकम को अलग करेंगे, स्पेशल रेट इनकम को अलग करेंगे। जनरल रेट इनकम पे जनरल टैक्स रेट लगा देंगे, स्पेशल रेट इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट लगा देंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे टैक्स आ जाएगा। अगर आपकी टोटल इनकम लिमिट को क्रॉस कर रही है, लिमिट होती है कुछ सरचार्ज की, तो सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज ऐड करने के बाद एंड में सेस लगेगा, जो कंपलसरी लगता है हर केस में लगेगा, 4% ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज। ये आ गया आपका टोटल टैक्स पेएबल। अगर आपका कोई TDS जमा है, TCS जमा है, या आपने एडवांस टैक्स जमा करवा रखा है वो लेस कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। यहाँ तक अपन ने देख लिया था, अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं टैक्स रेट्स। अब अपन देखेंगे टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है जनरल टैक्स रेट्स और एक होती है स्पेशल टैक्स रेट्स। सबसे पहले अपन देखेंगे जनरल टैक्स रेट्स। जनरल टैक्स रेट्स, सबसे पहले अपन जनरल टैक्स रेट्स देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन कवर कर रहे हैं इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, सबसे पहले इनकी अपन जनरल टैक्स रेट देख रहे हैं। पहले जनरल टैक्स रेट देख रहे हैं अपन। जनरल टैक्स रेट कहाँ दे रखी है? शेड्यूल 1 फाइनेंस एक्ट, शेड्यूल 1 फाइनेंस एक्ट। तो इन लोगों पे लगती है जनरल टैक्स रेट स्लैब रेट। क्या लगती है इनपे? इनपे लगती है स्लैब रेट, इनपे लगती है स्लैब रेट। अब ये स्लैब रेट क्या होती है ये देख लेते हैं अपन। तो इसके लिए सबसे पहले इफ टोटल इनकम और यहाँ टैक्स रेट, ₹2,50,000 nil, above ₹2,50,000 but up to ₹5,00,000, 5% above ₹5,00,000 but up to ₹10,00,000, ₹20% above ₹10,00,000, 30%। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं जनरल टैक्स रेट, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन पे लगता है स्लैब। स्लैब क्या होता है अभी समझ जाओगे आप, स्लैब क्या होता है। तो इन पे एक स्लैब रेट लगती है। स्लैब रेट कैसे लगती है वो देखो आप। अगर इनकी टोटल इनकम, इनकी टोटल इनकम जो है जनरल वाली इनकम, जनरल रेट वाली इनकम, टोटल इनकम कितनी है? अप टू 2,50,000। कितनी है? अप टू 2,50,000 है। तो उस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस 2,50,000 को अपन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बोलते हैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी अपन इसको बोलते हैं।
तो 2.5 लाख तक अगर इनकी इनकम है, टोटल इनकम कितनी है, 2,50,000 तक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2,50,000 से ज़्यादा है, लेकिन अप टू 5 लाख है। कितना बोला मैंने, 2.5 लाख से ज़्यादा, अप टू 5 लाख है, तो जो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख वाली जो इनकम हुई, 2,50,000 से लेकर के 5 लाख वाली जो इनकम हुई, उस पर कितना लगेगा, 5%। उस पर कितना लगेगा, 5%। 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख है, तो अप टू 2.5 लाख मतलब 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से लेकर के 5 लाख वाली इनकम पे 5%। 5 लाख से 10 लाख वाली जो इनकम है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम है, उस पर कितना लगेगा, 20%। उस पर कितना लगेगा, 20%। 10 लाख से भी ज़्यादा है तो, 10 लाख से भी ज़्यादा है तो अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख वाली पे 20%, और 10 लाख से ज़्यादा जितनी इनकम है, 10 लाख से ज़्यादा जितनी इनकम है, उस पर कितना लगेगा, 30%। इसे बोलते हैं स्लैब। ये स्लैब दे रखा है किसके लिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इनके लिए स्लैब दे रखा है। 2.5 लाख तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अबव 10 लाख 30%। ये स्लैब है। अप टू 2,50,000, इस 2,50,000 को अपन बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इंडिविजुअल के लिए। अब इसमें एक एग्जाम्पल से और मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टैक्स कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं इसका। एक पर्सन है, मान लो मिस्टर ए, इसकी टोटल इनकम आपको दे रखी है 12 लाख की, और आप मान लो पूरी इनकम क्या है, जनरल रेट वाली इनकम है, स्पेशल वाली कोई इनकम नहीं है, जनरल रेट वाली नॉर्मल इनकम है इसकी। तो टोटल इनकम इसकी 12 लाख रुपए की दे रखी है। मिस्टर ए एक पर्सन है, मिस्टर ए क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। अब अपन को टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकालेंगे, देखो टैक्स कैलकुलेट करते हैं अपन इसका। अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 कितना आएगा टैक्स, नील आ जाएगा, नील। इसके बाद 12 लाख की इनकम है, 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक कितनी इनकम हुई, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितनी इनकम हुई, बताओ कितनी हुई, 2,50,000 की हो गई ना। इस पर कितना लगेगा, इस पर लगेगा 5%। इस पर लग जाएगा 5%, कितना हुआ, 12,500। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ये कितनी हुई, 5 से 10 कितनी हुई, इसकी 12 लाख इनकम है तो 5 से 10 के बीच में की कितनी हुई, 5 लाख हो गई। इस 5 लाख में कितना लगेगा, 20%। तो 20% कितना हुआ, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। इसके बाद अबाउट 10 लाख, अबाउट 10 लाख, अबाउट टेन लाख इसकी इनकम कितनी है, देखो 12 लाख की इनकम है तो 10 लाख से ऊपर कितनी इनकम है इसकी, कितनी है, 2 लाख की इनकम है, दो ही तो है, उस पर कितना लग जाएगा, 30%। लगाओ कितना आया, 60,000 ये आ गया। अब इनका टोटल करो एक बार, कितना आया, टोटल कर दो, ये आ गया 1,72,500, ये बन गया टैक्स इसका, ये आ गया टैक्स। अब इसमें अपन सेस वगैरह जोड़ेंगे, वो बात की बात है, ये आ गया टैक्स। इस अकॉर्डिंग के स्लैब लगता है, कैसे लगता है, अप टू 2,50,000 नील, 2.5 लाख से 5 लाख वाली इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे 20%, और अबव 10 लाख वाली इनकम पे 30%। 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख वाली इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे 20%, और अबव 10 लाख वाली इनकम पे 30%। इस तरह से स्लैब लगता है। ये मैंने आपको टैक्स निकालना दिखा दिया। अब इसमें अगर एक लिमिट को क्रॉस करती है इनकम, सरचार्ज वाली जो लिमिट अपन आगे देखेंगे, तो उसमें सरचार्ज भी ऐड हो जाता है। अगर लिमिट को क्रॉस करती है तो उसके बाद क्या ऐड होता है, सेस। तो सरचार्ज किसी किसी केस में ऐड होता है, लेकिन सेस तो हमेशा ऐड होता है। सेस ऐड होने के बाद क्या आता है, टोटल टैक्स। टोटल टैक्स पेबल क्या आता है, कब आता है, टैक्स प्लस सरचार्ज अगर लगता है तो, और प्लस सेस, ये लगने के बाद क्या होता है, टोटल टैक्स। अभी खाली अपन ने टैक्स निकालना देखा है, टोटल टैक्स नहीं निकाला। तो ये केस था इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई बंदा क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल,
प्लस एज ऑफ 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स इन प्रीवियस ईयर और फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। मैंने क्या बोला, कोई पर्सन है रेजिडेंट इंडिविजुअल, किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, पहली बात तो ध्यान रखना खाली इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और इंडिविजुअल भी कौन सा, रेजिडेंट, दो तरह के होते हैं, एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब इंडिया का, नॉन रेजिडेंट मतलब बाहर का। रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है, बात बाहर वाले की नहीं हो रही बात, रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो रेजिडेंट है इंडिविजुअल प्लस प्लस रेजिडेंट इंडिविजुअल है प्लस उसकी एज कितनी है, 60 साल या उससे ज्यादा है, कितनी है 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, कितनी है 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, लेकिन 80 ईयर से कम है। मैंने क्या बोला, रेजिडेंट इंडिविजुअल है रेजिडेंट है और उसकी एज कितनी है 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, 60 साल या उससे ज्यादा है, 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, या तो प्रीवियस ईयर में, या तो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर क्या है आपका, प्रीवियस ईयर क्या है 21-22 में, जो भी प्रीवियस ईयर है आपका उसमें, या तो, या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2022, यही हुआ फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब उसका बर्थडे 60th बर्थडे, मतलब 60 साल का कब हो गया वो, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर को भी हो गया, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर को भी उसका 60th बर्थडे आ गया, मतलब 60 साल का कब हुआ वो, 60 ईयर का कब हुआ, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर को भी हो गया। तो भी अब ये नया प्रोविजन लगेगा, नया प्रोविजन क्या लगेगा, नया स्लैब लगेगा, नया स्लैब, अब नया स्लैब क्या लगेगा वो अपन देखने जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, या तो प्रीवियस ईयर में, या तो प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन, या असेसमेंट ईयर के पहले दिन भी, या तो असेसमेंट ईयर के पहले दिन भी अगर हो जाती है 60 ईयर की, तो भी ये नया स्लैब लगेगा। ये स्लैब क्या है ये अपन देख लेते हैं। अब ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं वो भी मैं एक बार बता देता हूँ, इसको अपन बोलेंगे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। क्या बोलेंगे, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, ये ओनली रेजिडेंट पे लगता है, मतलब नॉन रेजिडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलते, ये सब बेनिफिट रेजिडेंट वाले को ही मिलते हैं और इंडिविजुअल पे लगता है। ऐसा मत सोचना एचयूएफ वगैरह पे लगेगा, खाली इंडिविजुअल पे, क्योंकि एज किसकी होती है, ओनली इंडिविजुअल की होती है, बाकी लोगों की एज नहीं होती ऐसे। तो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बोलेंगे। अब इस पे स्लैब क्या लगेगा वो स्लैब अपन देख लेते हैं। इफ टोटल इनकम और टैक्स रेट अप टू रुपीज थ्री लैख नील हो जाएगा, अबव रुपीज थ्री लैख बट अप टू रुपीज फाइव लैख इस पे हो जाएगा 5%, फिर अबव रुपीज 5 लैख बट अप टू रुपीज 10 लैख इस पे हो जाएगा 20%, और अबव रुपीज 10 लैख ये हो जाएगा 30%। मैंने क्या बोला, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है रेजिडेंट है और उसकी एज 60 ईयर से उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, या तो प्रीवियस ईयर में, या पहले दिन असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे भी, या तो असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे भी अगर उसका 60th बर्थडे आ जाता है तो भी ये स्लैब लगेगा। ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलेंगे, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर उसकी टोटल इनकम 3 लाख तक है, इस पर्सन की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या मानी जाएगी, इस रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख नहीं मानी जाएगी, इसको बेनिफिट मिलेगा 3 लाख तक का, 2,50,000 तक का नहीं मिलेगा, 3 लाख तक का 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलेगा। अप टू 3 लाख इसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 5 लाख वाली इनकम पे, 3 लाख से 5 लाख वाली इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे 20%, और अबव 10 लाख 30%। बस इतना सा चेंज है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल था उसको 2,50,000 का बेनिफिट मिलता था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, लेकिन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। रेजिडेंट
इंडिविजुअल प्लस एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर। इन प्रीवियस ईयर और फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। अगला केस क्या देख रहे हैं, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज कितनी है 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, 80 ईयर्स या उससे ज्यादा। देखो सबसे पहले अपने नॉर्मल कवर कर लिया, 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, लेकिन लेस देन 80 ईयर्स अपन ने फिर कवर कर लिया 3 लाख वाले में। अब क्या देख रहे हैं, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, खाली इंडिविजुअल, और वो भी कौन सा रेजिडेंट, उसकी एज कितनी है 80 ईयर्स या उससे ज्यादा, 80 साल या उससे ज्यादा, 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, या तो प्रीवियस ईयर के अंदर या असेसमेंट ईयर के पहले दिन, या तो प्रीवियस ईयर के अंदर या उसका मान लो 80th बर्थडे असेसमेंट ईयर के पहले दिन भी आ रहा है तो भी यहां कवर हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इस पर्सन को बोला जाएगा रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। और ऐसे केस में स्लैब क्या लगेगा, इफ टोटल इनकम और टैक्स रेट अप टू रुपीस 5 लाख, 5 लाख तक जो इनकम है इनकी टोटल इनकम, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स इतना हो जाएगा नेट। 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे लगेगा 20% और अबव 10 लाख, 10 लाख से अबव लगेगा 30%, इनको ज़्यादा और बेनिफिट मिलेगा। तो किसकी बात हो रही है, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा, या तो प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर के पहले दिन, या असेसमेंट ईयर के पहले दिन, इनको बोला जाएगा रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, इनकी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके इनके लिए बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट क्या होगी, 5 लाख। इनके लिए क्या होगी बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट, 5 लाख। नॉर्मल जनरल इंडिविजुअल के लिए क्या होती है, 2.5 लाख। सीनियर सिटीजन के लिए, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, और रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। तो इनकी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और अबाउ 10 लाख तो 30%, 5 लाख से 10 लाख 20% और अबाउ 10 लाख 30%। ये है टैक्स रेट। ये अपन ने जो देखा बाद का 60 ईयर्स वाला और 80 ईयर्स वाला, ये ओनली इंडिविजुअल के लिए, और इंडिविजुअल भी कौन सा, रेजिडेंट। कौन सा इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ये अपन ने देख लिया। अब अपन बीच में एक चीज़ और देख रहे हैं इसी के साथ, इंडिविजुअल के लिए एक टॉपिक है इसमें, सेक्शन 87A रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। सेक्शन 87A रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, किसकी बात हो रही है, रेजिडेंट इंडिविजुअल की। ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, कितने भी साल का हो कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है। किसकी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ओनली इंडिविजुअल की बात हो रही है, और दूसरा कैसा इंडिविजुअल, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट की बात नहीं हो रही, ध्यान से याद रखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है। उसको एक रिबेट मिलती है 87A की, एक रिबेट मिलती है। कब मिलती है पहले तो ये देख लेते हैं, ये रिबेट कब मिलती है, इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीस 5 लाख। अगर उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है अप टू रुपीज 5 लाख तक है, कितनी है, 5 लाख रुपए तक है, तो ही मिलती है। 5 लाख से थोड़ी भी ज्यादा होगी, कितनी भी ज्यादा होगी, 5 लाख से ज्यादा चली गई तो नहीं मिलती। तो अप टू रुपीज 5 लाख तक टोटल इनकम है तो ही मिलती है। मान लो 5 लाख 10 रुपए हो गई, 5 लाख 10 तो भी नहीं मिलेगी, 5 लाख रुपए तक है तो ही रिबेट मिलती है, तो ही टैक्स में एक रिबेट मिलती है। क्या रिबेट मिलती है वो अपन एक बार देख लेते हैं, कब मिलती है, अगर उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख तक है, 5 लाख तक है तो ही मिलती है, 5 लाख से अगर इनकम ज़्यादा हो गई, 5 लाख से ज़्यादा हो गई तो नहीं मिलती। तो रिबेट कितनी मिलती है वो देख लो एक बार, रिबेट मिलती है रुपीस 12,500 और टैक्स अमाउंट इन दोनों का जो भी लेस आएगा। कितनी मिलती है रिबेट,
12,500 रुपीज़, 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस, रुपीज़ 12,500 और जो टैक्स बना, इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों में से जो भी लेस आता है उतने की अपन रिबेट दे देंगे। तो रिबेट किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है तो ही मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ रिबेट वाले पॉइंट को। इसमें उससे पहले एक नोट लिख लो आप इसी में, अबव रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A। जो ये रिबेट है ना 12,500 वाली, ये रिबेट है 87A वाली, ये रिबेट एक इनकम से नहीं मिलती। लॉटरी वगैरह इनकम से भी मिल जाती है रिबेट, लेकिन एक इनकम से नहीं मिलती। कौन सी इनकम से नहीं मिलती? कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। एक कैपिटल गेन आएगा 112A वाला, 112A में कुछ स्पेसिफाइड असेट दे रखे हैं, जैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड दे रखे हैं, उन पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो आएगा। तो वो कैपिटल गेन 112A वाला जो कैपिटल गेन है, कौन सा 112A वाला जो कैपिटल गेन है, उस इनकम के अलावा हर इनकम से ये रिबेट मिल जाती है, हर इनकम से रिबेट मिल जाती है। आप बोलोगे कि जो अपन ने एक अनडिस्क्लोज इनकम ब्लैक मनी पड़ी थी, ब्लैक मनी वाली इनकम से मिल जाती है। देखो ब्लैक मनी की जो इनकम होती है ना, इतनी छोटी मोटी नहीं होती, ब्लैक मनी इनकम लाखों में होती है। ब्लैक मनी अपन छोटी मोटी चोरी नहीं करते, तो ब्लैक मनी अगर होती है किसी एसएससी की तो 4-5 लाख की नहीं होती, करोड़ों की होती है, या लाखों में भी 50-60 लाख की होती है। तो वैसे ही 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो बात ही खत्म होती है। फिर भी अगर 5 लाख तक की माने तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन जो है 112A वाला, कैपिटल गेन 112A, उसमें से ये रिबेट नहीं मिलेगी। बाकी कोई भी इनकम है अगर आपकी, अगर अप टू 5 लाख तक है, टोटल इनकम कितनी है आपकी 5 लाख तक है टोटल इनकम, तो मिल जाएगी। तो इसमें तो ये लिखा हुआ है। अब अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, और वैसे भी आपके कोई इंडिविजुअल वगैरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके तो क्वेश्चन आएंगे कंपनी वगैरह के, बाकी इंडिविजुअल का तो कुछ ये MCQ वगैरह आ जाए टैक्स निकालने के, तो इसलिए अपन को कवर करना है सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस रिबेट को और समझा देता हूँ। तीन केस लेते हैं अपन, एक पर्सन है मिस्टर ए, ये रेजिडेंट है, क्योंकि ये रिबेट किसको मिलती है? ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ध्यान रखना इंडिविजुअल को मिलती है और रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। अब इसकी टोटल इनकम लेते हैं अपन अलग अलग केस में, पहले केस में टोटल इनकम इसके ले लेते हैं अपन, या मैं इधर लिख लेता हूँ टोटल इनकम, पहले केस में मान लेते हैं इसकी ₹5 लाख, दूसरे केस में मान लेते हैं अपन ₹4,10,000 और तीसरे केस में मान लेते हैं अपन ₹5,10,000। ये अपन ने इसकी टोटल इनकम मान ली, मिस्टर एक रेजिडेंट है, तीन केस ले लिए। केस वन में 5 लाख की टोटल इनकम मान ली, केस टू में 4,10,000 रुपये की, और केस थ्री में 5,10,000 की अपन ने इसकी टोटल इनकम मान ली। ये मानो कि कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इसमें कवर्ड नहीं है, इस इनकम में नहीं है। तो ये इसकी टोटल इनकम अपन ने मान ली। अब सबसे पहले टैक्स निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप तो टैक्स ही निकालेंगे, फिर रिबेट देंगे। तो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स निकालो, 5 लाख की इनकम है पहले केस में, बताओ कितना टैक्स बनेगा? 5 लाख की इनकम पे कितना टैक्स बनेगा मिस्टर ए के? 2.5 लाख तक नील, 2,50,000 तक नील, और 2,50,000 से 5 लाख तक कितना लगता है? 5%। तो 5% करोगे कितना आएगा टैक्स? निकालो आप टैक्स, ये आ जाएगा 12,500 रुपये का, 12,500 का टैक्स आ गया, 12,500 का टैक्स आ गया। बताओ इसको रिबेट मिलेगी क्या? इसको 87A की रिबेट मिलेगी क्या? मिल जाएगी, क्योंकि इसकी इनकम कितनी है? 5 लाख तक है। कितनी है? अप टू 5 लाख है, तो रिबेट मिल जाएगी। तो माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A की रिबेट देंगे, बताओ कितनी मिलेगी इसको? क्या था फॉर्मूला? ₹12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस। तो रिबेट कितनी मिलेगी इसको? 12,500 और 12,500 की लिमिट है, टैक्स कितना बन रहा है इसका? 12,500 का। इन दोनों में से लेस क्या है? दोनों में लेस एक ही है फिगर, सेम है फिगर। तो 12,500 की इसको क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी। 12,500 की इसको रिबेट मिल जाएगी। इसका टैक्स कितना बन जाएगा? इसका टैक्स बन जाएगा नील। इस कारण अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख तक होती है तो उसका टैक्स नील बनता है,
कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है ना, 5 लाख से ज़्यादा हो गई, मान लो 5 लाख 10 हज़ार, 5 लाख 20 हज़ार, अपन इनकम 5 लाख में एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अपना टैक्स कितना बने, नील बने, इस रिबेट के कारण वो नील होता है। वैसे तो 2.5 लाख तक है नील, लेकिन इस रिबेट के कारण क्या हो जाता है, 5 लाख तक की भी अगर आपकी इनकम है तो नील हो जाता है। दूसरे केस में निकालो टैक्स कितना बन रहा है, 4 लाख 10 हज़ार की इनकम है इसकी, 2.5 लाख तक नील हो गया, 2.5 लाख से 4 लाख 10 हज़ार, 2 लाख 50 हज़ार से 4 लाख 10 हज़ार तक 5% लगाओ, कितना हुआ, 160 का 5% करोगे तो ये आएगा 8,000, 8,000 का टैक्स बन गया। रिबेट मिलेगी 87 होने की, कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 12,500 तो लिमिट हो गई और 8,000, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा 8,000 की रिबेट मिल जाएगी, कितना टैक्स हो जाएगा, नील हो जाएगा। मतलब 5 लाख तक की किसी की भी इनकम है ना तो टैक्स नील ही आएगा, 5 लाख से ज़्यादा है तो अब 5 लाख 10 हज़ार, बताओ टैक्स निकालो सबसे पहले 5 लाख 10 हज़ार, तीसरे केस में कितना टैक्स बनता है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, अब 5 लाख कितना बनेगा, 20%, तो कितना टैक्स बना इसमें, 5 लाख 10 हज़ार, इसमें बन गया अपना 14,500 का टैक्स बन गया, निकाल के देख लो 14,500 ही बनेगा। अब बताओ रिबेट मिलेगी क्या, मिलेगी क्या रिबेट, कुछ रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, चाहे 10 रुपये भी ज़्यादा हो गई, रिबेट नहीं मिलेगी। 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, रिबेट नहीं मिलेगी, इस केस में कोई रिबेट नहीं मिलेगी। टैक्स कितना हो जाएगा इसका, 14,500 का टैक्स बन जाएगा। 5 लाख तक इनकम है, 5 लाख तक इनकम है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल ध्यान रखना, खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इनको किसी को नहीं मिलती, खाली इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल भी कौन सा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती, खाली रेजिडेंट को। ये आ गया आपका टैक्स, ये आ गया टैक्स, और इसके बाद क्या लगाओगे आप, सरचार्ज लगता है तो लगा दोगे, वैसे नहीं लगेगा इस केस में, सरचार्ज अमीर लोगों पे लगता है जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस करती है। और लास्ट ही लास्ट में क्या लगाओगे, सेस, तो सेस बाद में लगाना, पहले रिबेट देना। सेस जो होता है ना हमेशा एंड ही एंड में होता है, सेस का काम हमेशा एंड ही एंड में होता है, आप टैक्स निकाल लो, सरचार्ज बनता है, सरचार्ज ऐड कर दो, और एंड ही एंड में क्या लगा लो, सेस, एंड ही एंड में आप सेस लगाओ, उससे पहले सेस नहीं लगता। तो ये हो गया आपका केस, ये मैंने आपको समझा दिया, रिबेट 87 की रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, 5 लाख तक की इनकम है तो ही मिलती है, सभी इनकम से मिल जाती है, जो कैपिटल गेन होता है 112A वाला उसमें से नहीं मिलती, उसमें से नहीं मिलती, बाकी सभी इनकम से मिल जाती है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं टैक्स रेट्स जो अपनी चल रही थी, अपन ने किसकी देख ली, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन की अपन ने कवर कर ली। अब अपन देखते हैं फार्म और लोकल अथॉरिटी, फार्म और लोकल अथॉरिटी, लोकल अब 2% और कवर कर रहे हैं अपन, फार्म और लोकल अथॉरिटी। मैंने एक चीज और आपको बताई दी थी, फार्म के अंदर ही अपन LLP को मानते हैं इनकम टैक्स में, फार्म और LLP को सेम मानते हैं। अब फार्म और लोकल अथॉरिटी पे क्या रेट लगेगी वो अपन एक बार देख लेते हैं। फार्म और लोकल अथॉरिटी पे लगेगी फ्लैट रेट, उन पे तो लगता था स्लैब, ऊपर वाले पर्सन पे क्या लगता था स्लैब, इन पे लगेगी फ्लैट रेट। और फ्लैट रेट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 30%, फ्लैट रेट लगेगी 30% की। मान लो इनकी 100 रुपये की भी इनकम हुई, 100 रुपये पे 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा, 30 रुपीज का टैक्स लग जाएगा। 1 लाख रुपये की इनकम हुई, 30% कर दो, 1 लाख का 30% कितना हुआ, 30,000। 1 करोड़ की हुई, 1 करोड़ का 30% कर दो, तो इन पे फ्लैट रेट लगती है, इन पे कोई स्लैब नहीं लगता, किस पे, फर्म और लोकल अथॉरिटी पे। और रेट क्या है, 30%, क्या रेट है, 30% की रेट है फर्म पे और लोकल अथॉरिटी पे। अब अपन आते हैं अगले पर्सन पे, वो है कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कंपनी। अब कंपनी में क्या टैक्स की रेट होती है, तो कंपनी को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनकम टैक्स में रेट्स के लिए। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है आपकी फॉरेन कंपनी, दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर इनकी अपन टैक्स की रेट देख लेंगे। तो सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी को अपन समझ लेते हैं, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है और एक फॉरेन कंपनी, इनकम टैक्स दो तरह की कंपनी होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। टैक्स की रेट के लिए डोमेस्टिक कंपनी में दो तरह की कंपनीज कवर होती है, एक तो इंडियन कंपनी या तो इंडियन कंपनी या और
कंपनी विच मेड अरेंजमेंट फॉर पेइंग डिविडेंड फ्रॉम इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। तो मैंने क्या बोला, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, दो तरह से कंपनी डिवाइड की गई है। डोमेस्टिक कंपनी कौन कौन सी होती है, या तो इंडियन कंपनी, या तो इंडियन कंपनी, या कोई ऐसी कंपनी, या कोई ऐसी कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट, जो अपने डिविडेंड का पेमेंट किससे करती है, इंडिया वाली इनकम से करती है, या ऐसी इनकम से करती है जो इंडिया में टैक्सेबल है। मैंने क्या बोला, दो तरह की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में कौन कौन कवर होती है, या तो इंडियन कंपनी, या तो इंडियन कंपनी, या कोई ऐसी फॉरेन कंपनी। मान लो कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो डिविडेंड का पेमेंट कैसे करती है, इंडिया वाली इनकम से करती है। जो डिविडेंड का पेमेंट किससे करती है, इंडिया वाली इनकम से करती है, वो भी क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी मतलब या तो इंडियन कंपनी, या कोई ऐसी कंपनी, या कोई ऐसी अदर कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट इंडिया वाली इनकम से करती है। जो डिविडेंड का पेमेंट किससे करती है, इंडिया वाली इनकम से, वो बन जाएगी डोमेस्टिक कंपनी। और फॉरेन कंपनी कौन होंगी, ये होंगी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। कौन होंगी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के अलावा जो भी कंपनी बच गई, वो सब किसमें होंगी फिर, फॉरेन कंपनी। वो सब क्या मानी जाएंगी, फॉरेन कंपनी मानी जाएंगी। अब इसमें भी अपन देखते हैं इंडियन कंपनी क्या होती है। कभी पूछ ले आपसे इंडियन कंपनी क्या होती है, तो इंडियन कंपनी मतलब दे रखा है रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनी मतलब क्या दे रखा है, कोई ऐसी कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में, कोई ऐसी कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्या बोला मैंने, कोई ऐसी कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में और जो इंडियन कंपनी सेक्ट, इंडिया का कोई भी कंपनी सेक्टर है, चाहे 1956 वाला है या कोई भी कंपनी सेक्टर 2013 वाला है, उसमें रजिस्टर्ड है, वो बन जाती है इंडियन कंपनी, वो बन जाती है इंडियन कंपनी। तो कंपनी मतलब दो तरह की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी या तो इंडियन कंपनी, या कोई ऐसी कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट इंडिया वाली इनकम से करती है। फॉरेन कंपनी मतलब अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब क्या होता है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और जो इंडियन कंपनी सेक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। अब टैक्स रेट क्या होती है, टैक्स रेट देखो, सबसे पहले फॉरेन कंपनी की बता देता हूँ मैं। फॉरेन कंपनी पर टैक्स रेट लगती है 40%। कितनी लगती है, 40%। फॉरेन कंपनी में क्या रेट लगती है, 40%। जो भी फॉरेन कंपनी की इनकम है उस पर लग जाएगी फ्लैट रेट, फ्लैट रेट होती है ये भी 40%। अब डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट क्या होती है वो अपन देख लेते हैं, डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट क्या होती है। तो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा दो केस। पहला केस दे रखा है इफ टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स इज अप टू रुपीस 400 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 1920, और एक है अदर केस। इस केस में लगेगी 25% और इस केस में लगेगी 30%। तो कंपनी में टैक्स की रेट देख रहे हैं, फॉरेन कंपनी में 40%। अब डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स की रेट, दो रेट दे रखी है डोमेस्टिक कंपनी पे, दो जनरल रेट दे रखी है डोमेस्टिक कंपनी पे, एक 25% और एक 30%। अभी 25% वाली रेट आपको कब लगानी है, अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट बोल दो, या टर्नओवर बोल दो या सेल्स बोल दो, उसके अगर टर्नओवर, उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर कब का, प्रीवियस ईयर 1920 का। करंट ईयर का नहीं देखेंगे, आपका करंट प्रीवियस ईयर क्या है, करंट प्रीवियस ईयर है आपका 2122, ये है आपका करंट प्रीवियस ईयर। अपन इसका नहीं देखेंगे, अपन कब का देखेंगे, प्रीवियस ईयर 1920। प्रीवियस ईयर 1920 मतलब 2 साल पहले का, 1920 का टर्नओवर देखेंगे। अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रोथ रिसीट प्रीवियस ईयर 1920 का अप टू 400 करोड़ तक है, कितना है, 400 करोड़ रुपये तक है, अप टू 400 करोड़ है या 400 करोड़ से कम है, तो रेट क्या लग जाएगी, 25%। लेकिन अगर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो रेट क्या लग जाएगी, 30%। मैंने क्या बोला, अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर
प्रीवियस ईयर 1920 का अप टू ₹400 करोड़ तक है तो 25%, अदर केस है मान लो 400 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या लग जाएगी 30%। अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए अपन 1920 का टर्नओवर क्यों देख रहे हैं, 1920 का टर्नओवर क्यों देख रहे हैं अपन, तो इसके जो रीजन है, पहला रीजन तो क्या है, अगर अपन प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर देखते, 21-22 का टर्नओवर देखते तो लोग क्या करते, थोड़ा बहुत टर्नओवर ज़्यादा जाता तो लोग उसको मैनिपुलेट करके कम करने की कोशिश करते, कम करने की कोशिश करते ताकि रेट क्या लगे 25% लगे। कंपनी वाले क्या करते, कम करने की कोशिश करते ताकि रेट 25% लगे अगर 21-22 का देखते। फिर आप बोलोगे पिछले साल का देख लेते, किसका पिछला साल कौन सा, 2021 का देख लेते। 2021 का क्यों नहीं देखा, देखो 2021 की जो रिटर्न जाती है वो कब जाती है, असेसमेंट ईयर 2021-22 में जाती है, 31 अक्टूबर डेट होती है कंपनी के केस में, 31 अक्टूबर डेट होती है, 31 अक्टूबर 21 तक जाती है, तो तब तक भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब पिछले साल का भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो ताकि आपके ऊपर रेट क्या लगे 25% रेट लगे इस रेट को पाने के लिए। अब 1920 का क्यों देखा, 1920 के सारे काम हो चुके, रिटर्न वगैरह जा चुकी, सब काम हो चुका, सब फाइनलाइज हो चुका, तो 1920 का इसलिए देखते हैं ताकि आप कुछ भी मैनिपुलेशन ना कर सको और एक्यूरेट टर्नओवर आप बताओ। इस कारण 1920 का देखते हैं, इस कारण गवर्नमेंट 2 साल पहले का चेक करती है, इस कारण गवर्नमेंट 2 ईयर्स पहले का चेक करती है, तो ये रीजन है। अब आप बोलोगे मान लो क्वेश्चन में आपको टर्नओवर नहीं दे रखा, 1920 का टर्नओवर नहीं दे रखा तो क्या रेट लगाओगे, 25 लगाओगे, 30 लगाओगे, बताओ क्या लगाओगे। इंस्टीट्यूट क्या लगाता है, इंस्टीट्यूट लगाता है 30, क्या लगानी है आपको 30% लगानी है, आपको क्या मानना है 30%, आप ये मानना कि टर्नओवर ज़्यादा ही होगा, नहीं दे रखा तो ये मान लो ऐसा दे रखा है 1920 में कंपनी थी नहीं, कंपनी तो लास्ट ईयर बनी है या कंपनी मान लो करंट ईयर में बनी है, अब क्या लगाओगे रेट, अब क्या लगाओगे, अब भी आपको क्या लगाना है 30, ये मत मानना कि 1920 में टर्नओवर जीरो था, कंपनी थी नहीं तो जीरो था, ऐसा नहीं मानना, 30 लगानी है आपको। 25 तो कब लगानी है, आपको 1920 का टर्नओवर दे रखा हो और टर्नओवर कितना दे रखा हो अप टू 400 करोड़ तक दे रखा हो, अप टू 400 करोड़ तक टर्नओवर दे रखा हो, 1920 का टर्नओवर दे रखा हो तो ही लगानी है, नहीं तो हर केस में क्या लगाओगे आप 30%, कुछ नहीं दे रखा 30 लगा दो, मान लो कंपनी अभी बनी है 30 लगा दो, 1920 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है 30 लगा दो, लेकिन अप टू 400 करोड़ तक दे रखा है तो लगाओगे 25, तो मेन क्या मानोगे आप अजम्पशन 30% मानोगे तो ही आपका आंसर ठीक होगा, ये इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है वही मैंने आपको यहाँ बताया है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें कॉन्ट्रोवर्सी है, इस पॉइंट में कॉन्ट्रोवर्सी है कि मान लो पहले कंपनी थी नहीं, कंपनी अभी बनी है तो क्या लगाएं, तो कुछ लोग 25 लगाते हैं, कुछ 30 लगाते हैं, सब चलता है, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या लगाता है 30 लगाता है, तो अपन को भी 30 लगानी है, तो कंपनी अगर न्यू बनी है 30 लगाएंगे, अपन ये नहीं मानेंगे कि टर्नओवर जीरो था 25 लगा दें, ऐसा नहीं मानेंगे 30 लगा देंगे, और कुछ भी डाटा नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो भी क्या लगाएंगे अपन 30 लगाएंगे, तो भी 30 लगाएंगे। फॉरन कंपनी में रेट क्या है, फॉरन कंपनी में एक ही रेट है 40%। अब 1% और कवर कर लेते हैं अपन, अपन ने वैसे सारे पर्सन कवर कर लिए जो पर्सन की डेफिनेशन में थे, सबसे पहले कौन कवर किया अपन ने, इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, फिर अपन ने कवर किए फर्म लोकल अथॉरिटी, फिर कंपनी कवर कर लिया, अब 1% और है वो और देख लेते हैं, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन की डेफिनेशन में नहीं दे रखा था, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन मैंने बोला था इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बाकी लोग भी कवर हो सकते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एक स्पेशल रेट लगती है, इस पर भी स्लैब लगता है, अब क्या स्लैब है वो अपन देख लेते हैं, इस पर भी क्या लगती है स्लैब रेट लगती है, फ्लैट नहीं लगती स्लैब रेट लगती है, अब इसका स्लैब स्पेशल स्लैब है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। इफ टोटल इनकम और दूसरा टैक्स रेट अप टू ₹10,000, 10,000 तक अगर इसकी इनकम है टैक्स की रेट रहेगी 10%, अबव ₹10,000 बट अप टू ₹20,000, 10,000 से ज़्यादा लेकिन अप टू 20,000 है तो 20% उस वाली इनकम पे, और अबव ₹20,000, 20,000 से ज़्यादा जितने भी इनकम है उस पर कितने लग जाएगी 30% का स्लैब लग जाएगा, वैसे बिल्कुल फालतू रेट है लेकिन कभी MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं तो मैंने लिखवा दिया आपको।
क्या स्लैब लगेगा, 10,000 तक की इनकम पे 10%, 10,000 से 20,000 वाली पे 20%, और अबाउट 20,000 वाली पे 30%, अबाउट 20,000 वाली पे 30%, ये टैक्स रेट लगेगी कॉपरेटिव सोसाइटी पे, ये स्लैब लगेगा। ये हो गई टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट। अब अपन एक चीज देख रहे हैं इसमें, वो है सरचार्ज। सरचार्ज देख रहे हैं अपन। अभी सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज अपन कवर करेंगे। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगता है, और ये बेसिकली अमीर लोगों पे लगता है जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है। जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो गवर्नमेंट टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लेती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, सरचार्ज। क्या बोलते हैं? सरचार्ज। अब ये सरचार्ज अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं अपन ये इंडिविजुअल HUF, AOP, POI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल HUF, AOP, POI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे देखते हैं सरचार्ज कैसे लगता है, कितना कितनी रेट से लगता है। तो सरचार्ज देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा वही टोटल इनकम। इफ टोटल इनकम अपन को देखना पड़ेगा, टोटल इनकम देखना पड़ेगा, टोटल इनकम लिमिट को क्रॉस कर रही है नहीं कर रही। अब क्या लिमिट है वो अपन लिमिट देख लेते हैं। अब 2 rupees 50 lakhs above rupees 50 lakhs but up to rupees 1 crore, above rupees 1 crore but up to rupees 2 crore, अबाउ ₹2 crore बट अप टू ₹5 crore, और इसके बाद अबाउ ₹5 crore। इस केस में आएगा नील, इसमें आएगा 10% ऑफ टैक्स, 15% ऑफ टैक्स, 25% ऑफ टैक्स, और इसमें आ जाएगा 37% ऑफ टैक्स। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन सरचार्ज देख रहे हैं किसका, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सरचार्ज के लिए अपन को देखना पड़ेगा टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम लिमिट को क्रॉस कर रही है नहीं कर रही। अब लिमिट क्या है, अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, कितनी है 50 लाख रुपए तक है, कितनी है 50 लाख रुपए तक है, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा आपके ऊपर, नील रहेगा सरचार्ज। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, किसको क्रॉस कर जाती है, 50 लाख को क्रॉस कर जाती है लेकिन अप टू 1 करोड़ है, 50 लाख से ज़्यादा लेकिन अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज की रेट क्या रहेगी, 10%। क्या रेट रहेगी, 10%। और सरचार्ज है ना इनकम का नहीं लगेगा, टैक्स तो अपन इनकम के ऊपर निकालते हैं, सरचार्ज लगेगा टैक्स का, जो आपने टैक्स निकाला उसका करेंगे। कुछ लोग गलती से इनकम का कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है, तो टैक्स का करेंगे कितना, 10% ऑफ टैक्स। अगर इनकम कितनी है 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 1 करोड़ है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन अप टू 2 करोड़ तक है, तो 15% ऑफ टैक्स। कितना होगा, 15% ऑफ टैक्स। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, 25% ऑफ टैक्स। कितना हो जाएगा, 25% ऑफ टैक्स। और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, कितनी है 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, अगर किसकी इनकम, इंडिविजुअल HUF, AOP, BY, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, तो सरचार्ज की रेट क्या हो जाएगी, 37% ऑफ टैक्स। मैंने क्या बोला, 50 लाख तक टोटल इनकम है, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख से ज़्यादा लेकिन अप टू 1 करोड़ तक है, तो 10% ऑफ टैक्स।
1 करोड़ से ज्यादा लेकिन अप टू 2 करोड़ तक है 15% ऑफ टैक्स, 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ तक है 25% ऑफ टैक्स, और 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 37% ऑफ टैक्स। अब एक बात और ध्यान रखना, ये सरचार्ज की रेट फ्लैट रेट है, ये स्लैब नहीं है कि 50 लाख तक नील, 50 से 1 करोड़, 10%, 1 से 2, 15, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम मान लो 5 करोड़ 50 लाख है तो पूरी इनकम पे जो टैक्स बना उस टैक्स का 37% लगेगा। ऐसा नहीं कि नील 10, 15, 25 ऐसे करोगे, ऐसा नहीं, पूरी इनकम पे जो टैक्स बना उसका कितना लग जाएगा 37। मान लो आपकी इनकम 3 करोड़ है तो पूरी इनकम पे जो टैक्स बना उस पर कितना लग जाएगा 25%। मान लो आपकी इनकम 1 करोड़ 20 लाख है तो पूरी इनकम पे जो टैक्स बना उस पर कितना लग जाएगा 15%। ये स्लैब नहीं है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट रेट है। अब इसमें एक नोट लिख लेना, वो नोट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये नोट क्या है वो अपन देख लेते हैं। नोट है सरचार्ज रेट ऑफ 25% एंड 37% इज नॉट एप्लीकेबल ऑन STCG अंडर सेक्शन 111A, LTCG अंडर सेक्शन 112A, डिविडेंड इनकम। मैंने क्या बोला, सरचार्ज की रेट अपन ने देख ली नील 10%, 15%, 25% और 37%। अब मैंने नोट में क्या बोला, जो सरचार्ज की जो रेट है कौन सी वाली, 25% वाली और 37% वाली, कौन सी 25% वाली और 37% वाली, तीन इनकम पे अप्लाई नहीं होती। तीन इनकम पे मैक्सिमम रेट कितनी लगती है सरचार्ज की, 15%। तीन इनकम ऐसी है, कौन कौन सी इनकम, एक तो 111A वाला STCG, 111A में कुछ स्पेसिफाइड असेट बता रखे हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स, उन पे STCG होता है वो। 112A वाला LTCG, उन्हीं स्पेसिफाइड असेट पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो। और तीसरी इनकम कौन सी, डिविडेंड की इनकम, STCG 111A वाला, LTCG 112A वाला और डिविडेंड की इनकम पे 25% और 37% वाली सरचार्ज की रेट अप्लाई नहीं होगी। मान लो आपको ये इनकम जो है, जो मैंने स्पेसिफाइड इनकम बताई है, कौन कौन सी, 111A वाली, 112A वाली और डिविडेंड इनकम, 111A वाली, 112A वाली और डिविडेंड इनकम, मान लो ये इनकम आपकी हो रखी है 5 करोड़ 50 लाख की, बताओ क्या रेट लगाओगे सरचार्ज की, 15% लगाओगे। मैक्सिमम कितनी लगेगी, 15 लगेगी, इन पर 25 और 37 नहीं लगेगी। 50 लाख से कम है तो नील, 50 लाख से 1 करोड़ में 10%, 1 करोड़ और से ऊपर जितनी भी है, कितनी भी हो चाहे 10 करोड़ हो चाहे 50 करोड़ हो, 15% ही लगेगी। इन पर सरचार्ज की रेट क्या लगेगी, इन तीन इनकम पे 15%। इन इनकम पे जो टैक्स बनेगा, ये स्पेशल रेट वाली इनकम है ऊपर वाली दो, तो इन इनकम पे जो टैक्स बनेगा इन पे सरचार्ज की रेट हमेशा कितनी रहेगी, मैक्सिमम कितनी रहेगी, 15। 25% और 37% वाली अप्लाई नहीं होगी, ये MCQ में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक बार सरचार्ज लगाने का एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। एक पर्सन है मान लो मिस्टर ए, इसकी आपको टोटल इनकम दे रखी है 60 लाख की, 60 लाख रुपए की इनकम दे रखी है। तो सबसे पहले तो क्या निकालोगे आप, टैक्स निकालोगे। सबसे पहले टैक्स निकालते हैं अपन, टैक्स वही सेम अप टू 2.5, मतलब 2,50,000 तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% करोगे, 5% कितना होगा 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक कितना करोगे 20% करोगे, 20% कितना हुआ, इंडिविजुअल है ना मिस्टर है, तो कितना हुआ 20%, 1 लाख। और अबाउट 10 लाख कितनी इनकम है इसकी, अबाउट 10 लाख कितनी है, 10 लाख से ऊपर कितनी इनकम है इसकी, 50 लाख की है, 50 लाख पे क्या कर दोगे, कितना कर दोगे 30%, ये हो गया 15 लाख, ये इसका बन गया टैक्स, कितना बना 16,12,500 का टैक्स बन गया, ये बन गया टैक्स। अब देखो सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखो आप सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, ये आप चेक करो, लगेगा सरचार्ज, 50 लाख तक होती तो नहीं लगता, 50 लाख से ज़्यादा है अप टू 1 करोड़ है, बताओ सरचार्ज की क्या रेट लगेगी, 10% लग जाएगी, क्या लगेगी 10% ऑफ टैक्स, 10% ऑफ टैक्स अपन लगाएंगे प्लस सरचार्ज एट द रेट 10% ऑफ टैक्स। ये इनकम का नहीं लगता, ध्यान रखना ये टैक्स का लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं 60 लाख का 10% कर देते हैं, कुछ लोग 60 लाख का 10% कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, टैक्स का करना है आपको। टैक्स कितना है 16,12,500, इसका 10% करोगे कितना आएगा 1,61,250, ये आ जाएगा सर 161,250, और ये आपका हो गया टैक्स
प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हो गया 17,73,750, ये आ गया आपका टैक्स प्लस सरचार्ज 17,73,750। अभी टोटल टैक्स नहीं निकला, अभी इसमें आप सेस ऐड करोगे 4% ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज का, तब निकलेगा टोटल टैक्स पेएबल, तो निकलेगा टोटल टैक्स पेएबल। अभी अपने सेस ऐड नहीं किया, इस अकॉर्डिंग सरचार्ज ऐड होता है। सरचार्ज हमेशा किसका निकलता है, टैक्स का निकलता है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, अमीर लोगों पे लगता है जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, सरचार्ज की रेट आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी एसएससी के लिए देखते हैं, बाकी पर्सन के लिए सरचार्ज की रेट अपन देखते हैं। फर्म लोकल अथॉरिटी, फर्म में एलएलपी भी आ जाती है, मैं आपको पहले बता चुका। और तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अपन सरचार्ज की रेट किसकी देख रहे हैं, फर्म लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपन सरचार्ज की रेट देख रहे हैं। इफ टोटल इनकम, सरचार्ज के लिए अपन हमेशा क्या देखेंगे, टोटल इनकम देखेंगे, अप टू रुपीस 1 करोड़ तक है तो निल अबव रुपीस 1 करोड़ तक है तो 12% ऑफ टैक्स किसका लगेगा, टैक्स का लगेगा हमेशा कितना, 12% ऑफ टैक्स। तो अपन देख रहे हैं अब फर्म लोकल अथॉरिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन पे सरचार्ज की रेट क्या है, इनकी अगर टोटल इनकम अप टू रुपीज 1 करोड़ तक है, कितनी है टोटल इनकम अप टू रुपीज 1 करोड़ तक है, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज की रेट क्या होगी, 12% ऑफ टैक्स। अप टू 1 करोड़ तक है, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज की रेट क्या हो जाएगी, 12% ऑफ टैक्स, 12% ऑफ टैक्स। अब अपन देखते हैं कंपनी का, कंपनी पे सरचार्ज की रेट देखते हैं। कंपनी दो कैटेगरी की है, आपको भी पता है दो कैटेगरी की कंपनी अपनी इनकम टैक्स में, एक है अपनी डोमेस्टिक कंपनी और एक है अपनी फॉरेन कंपनी। इस टोटल इनकम, वही अपन देखेंगे टोटल इनकम देखेंगे, इसके केस में भी वही देखेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम बोल दो या टैक्सेबल इनकम बोल दो, कुछ लोग इसको नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। अप टू रुपीस 1 करोड़ निल अबव रुपीस 1 करोड़ बट अप टू रुपीस 10 करोड़ 7% ऑफ टैक्स, अबव रुपीस 10 करोड़ 12% ऑफ टैक्स। फॉरेन की ओर देख लेते हैं एक बार, अप टू रुपीस 1 करोड़ निल अबाव रुपीस 1 करोड़ बट अप टू रुपीस 10 करोड़ 2% ऑफ टैक्स, और लास्ट है अबाव रुपीस 10 करोड़ 5% ऑफ टैक्स। कंपनी की सरचार्ज की रेट देख रहे हैं, कंपनी दो तरह की डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी का सबसे पहले देख लेते हैं, अगर डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम अप टू रुपीज 1 करोड़ तक है, कितनी है 1 करोड़ तक है, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 10 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन अप टू 10 करोड़ है तो 7% ऑफ टैक्स कितना लगेगा, 7% ऑफ टैक्स। 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो 12% ऑफ टैक्स। फॉरन कंपनी के केस में, फॉरन कंपनी की टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन अप टू 10 करोड़ तक है, 2% ऑफ टैक्स कितना लगेगा, 2% ऑफ टैक्स। और अबाउट 10 करोड़ है तो 5% ऑफ टैक्स। डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या होगी, निल 712, निल 712। फॉरेन कंपनी के केस में निल 25, निल 25, निल 712, निल 25। ये हो गई कंपनी की सरचार्ज की रेट।
ये आपको याद रखनी पड़ेगी सारी सरचार्ज की रेट। अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अब एंड एंड में लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसके बाद जाके टोटल टैक्स बनेगा। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पे लगता है? ये लगता है ओन टैक्स एंड सरचार्ज इफ एनी, सरचार्ज अगर है तो, ओन टैक्स एंड सरचार्ज इफ एनी एट द रेट 4% इन ऑल केसेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कब लगेगा? आपने टैक्स निकाल लिया पहले, सरचार्ज लगता है, लगता है तो सरचार्ज लगा दिया, और टैक्स और सरचार्ज जो बना उसका 4% क्या लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर आपका टैक्स बनता है तो भी लगेगा 4% ऑफ टैक्स, अगर आपका टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों बनते हैं तो भी लगेगा सेस, तो हर केस में लगेगा 4% ऑफ टैक्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, सभी SSC पे लगेगा, हर केस में लगेगा अगर आपका एक रुपये का भी टैक्स बनता है तो। हाँ, टैक्स ही नहीं बनता तो बात अलग है, अगर आपका एक रुपये का भी टैक्स बन जाता है तो आपको क्या देना पड़ेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। कोई भी SSC हो, सभी SSC को देना पड़ेगा, सभी SSC पे लगेगा। कितना लगेगा? 4% लगेगा, और सभी केस में लगेगा। एक बात ध्यान रखना, इसमें सेस हमेशा अपन एंड में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? एंड में लगाते हैं, मतलब सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, टैक्स निकाल लेते हैं, कोई रिबेट वगैरह देनी होती है वो दे देते हैं, सेस क्या बोलते हैं सरचार्ज वगैरह ऐड करना होता है वो ऐड कर वगैरह कर लेते हैं, एक होता है कंसेप्ट मार्जिनल रिलीफ का, वो भी आएगा अपने, वो सब देनी होती है वो भी दे देते हैं, और उसके बाद फाइनली फाइनल लास्ट में क्या करते हैं अपन? सेस लगाते हैं। फाइनल में जो अमाउंट बचती है अपने पास टैक्स और सरचार्ज की मिला के, उस पर लगता है सेस लास्ट ही लास्ट में। तो ये हमेशा एंड में लगता है, इसको बीच में मत लगा देना, इसको एंड ही एंड में शांति से लगाना। तो टैक्स और सरचार्ज का लगता है 4% सभी केस में, सभी SSC भी लगता है, और एंड एंड में ये लगता है। ये था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये अपन ने देख लिया। अब अपन एक टॉपिक देख रहे हैं इसमें मार्जिनल रिलीफ का, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका MCQ वगैरह भी आ सकता है, मार्जिनल रिलीफ का MCQ आने के काफ़ी चांस होते हैं 2 नंबर का, वो अपन कंसेप्ट देख रहे हैं मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, अरे मार्जिनल रिलीफ क्या होती है मैं आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगा। मार्जिनल रिलीफ, व्हेन टैक्स एक्सीड इनकम ड्यू टू सरचार्ज। अब ये कंसेप्ट क्या है मार्जिन रिलीफ का? तो जब आपकी इनकम, जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है, जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण, तो आपको एक रिलीफ मिलती है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कोई सेक्शन नहीं है इनकम टैक्स में, ये फाइनेंस एक्ट में दे रखा है। जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण, तो आपको मिलती है मार्जिनल रिलीफ। जब आपकी इनकम जो सरचार्ज वाली अमाउंट है, सरचार्ज वाली जो इनकम होती है, जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, या तो यहाँ जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है, जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी बहुत का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा है, 1 लाख 1.5 लाख, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो तब उस केस में क्या मिलती है आपको? मार्जिनल रिलीफ। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी स्टेप लिखवाऊंगा आपको। तो एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं सबसे पहले मार्जिनल रिलीफ को समझने के लिए। मार्जिनल रिलीफ को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। फिर मैं इसकी पूरी थ्योरी लिखवा दूंगा, पहले एक एग्जांपल से अपन मार्जिन रिलीफ को समझते हैं। एग्जांपल क्या है? एक कंपनी है ABC लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी है, ABC लिमिटेड क्या है? डोमेस्टिक कंपनी है। इसका आप मान लो टर्नओवर 2019-20 का टर्नओवर आपको दे रखा है, वो दे रखा है रुपीज़ 402 crore,
402 करोड़ का टर्नओवर दे रखा है। अब इस डोमेस्टिक कंपनी की जो इनकम दे रखी है एबीसी लिमिटेड की, ये दे रखी है टोटल इनकम रुपीस 1 करोड़ 1 लाख की, 1 करोड़ 1 लाख की इनकम दे रखी है। यहाँ पे सरचार्ज लगता है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ 1 लाख की इसकी टोटल इनकम दे रखी है एबीसी लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है। सबसे पहले तो अपन टैक्स निकालेंगे इसका, सबसे पहले अपन टैक्स कैलकुलेशन करेंगे इसकी, इस इनकम पे टैक्स निकालेंगे। 1 करोड़ 1 लाख की इनकम पे टैक्स निकालोगे आप, बताओ टैक्स कितना आएगा इसका? 1 करोड़ 1 लाख की इनकम को किससे इंटू करोगे? डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी में दो रेट होती है, फ्लैट रेट होती है, तो 25% या 30%, बताओ 25 लगेगी 30 लगेगी? टर्नओवर 1920 का 402 करोड़ दे रखा है आपको, 400 करोड़ से ज़्यादा, क्या रेट लगेगी? 30%। कितना टैक्स बनेगा निकालो, 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स, ये बन गया आपका 30,30,000 का टैक्स बन गया, 30,30,000 का टैक्स बन गया। अब इसकी इनकम देखो, 1 करोड़ से ज़्यादा है डोमेस्टिक कंपनी की, डोमेस्टिक कंपनी में मैंने क्या बताया था, अगर 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 10 करोड़ तक है सरचार्ज लगेगा। किस रेट से लगेगा? 7% टैक्स, तो सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा एट द रेट 7% ऑफ टैक्स, टैक्स का आपको 7% करना है। टैक्स कितना बना था? 30,30,000 का आपको 0.07% करना है, कितना आया? 2,12,100, ये अपन ने सरचार्ज लगा दिया, ये अपन ने सरचार्ज लगा दिया। कितना टैक्स बना? टैक्स प्लस सरचार्ज कितना बन गया इसका? टैक्स प्लस सरचार्ज कितना बन गया? ये बन गया 32,42,100, ये इसकी फिगर आ गई, 32,42,100। सेस अभी भूल जाओ, सेस का काम बाद में होता है, मैंने बताया था सेस का काम कब करते हैं? एंड में। एजुकेशन सेस का काम कब करते हैं अपन? एंड ही एंड में। ये अभी इसकी इनकम पे टैक्स आ गया 32,42,100 रुपये, 32,42,100 का टैक्स आ गया बिना सेस के, अभी सेस अपन ने ऐड नहीं किया। मान लो इस कंपनी की एबीसी लिमिटेड जो डोमेस्टिक कंपनी है, इसकी इनकम आप एक बार अज्यूम करो, अज्यूम इफ टोटल इनकम इज रुपीस 1 करोड़, अगर इस डोमेस्टिक कंपनी की इनकम कितनी होती? 1 करोड़ ही होती, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती, 1 करोड़ ही होती, 1 करोड़ ही होती तो क्या होता? 1 करोड़ इसकी टोटल इनकम होती तो क्या करते अपन? वो अपन देखेंगे अब। 1 करोड़ इसकी टोटल इनकम होती तो क्या करेंगे? तो बताओ टैक्स कितना बनता, निकालो टैक्स कितना बनता। 1 करोड़ पे आप लगाते, 1 करोड़ की इनकम होती तो 1 करोड़ पे आप 30% टैक्स की रेट लगा देते, 30 लाख का टैक्स आता, 30 लाख का टैक्स आता। बताओ सरचार्ज लगता क्या? सरचार्ज अपन लगाते क्या? लगाते क्या? अप टू 1 करोड़ तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में अप टू 1 करोड़ तक सरचार्ज लगता ही नहीं है, तो सरचार्ज नहीं लगाते, लगाते ही नहीं। टैक्स कितना बनता? 30 लाख का टैक्स बनता बिना सेस के, सेस भूल जाओ अभी आप, तो टैक्स कितना बनता? 30 लाख का टैक्स बनता। अब देखो दो केस देखते हैं अपन, दो केस क्या हुए। पहला केस हुआ इनकम इसकी कितनी थी? 1 करोड़ 1 लाख की इनकम थी, ओरिजिनल इनकम इसकी कितनी थी? 1 करोड़ 1 लाख की थी, और इसका टैक्स कितना बना? टैक्स और सरचार्ज मिला के कितना बना? 32,42,100, देख लो यही है, 1 करोड़ 1 लाख की इनकम थी, कितना बना? 32,42,100। अगर ये 1 करोड़ की इनकम ही करता जो अपन ने अज्यूम करी थी ना 1 करोड़ की अज्यूम करी थी, तो टैक्स कितना बनता? 30 लाख का बनता, 30 लाख का बनता। इस बेचारी कंपनी ने, एबीसी लिमिटेड जो डोमेस्टिक कंपनी थी, इस बेचारे ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा के, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 1 लाख ही तो एक्स्ट्रा कमाए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा के क्या गुना किया था कि इसको कितना टैक्स एक्स्ट्रा बन गया? 242,100 रुपये का, 2,42,100। इस बेचारी डोमेस्टिक कंपनी ने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाए, और एक्स्ट्रा उस 1 लाख की इनकम पर कितना टैक्स बन गया? 2,42,100 का। ये बोलेगी मैंने क्या गुना किया, अगर मैं 1 लाख ही 1 करोड़ ही कमाती तो 30 लाख ही टैक्स देना पड़ता, 1 करोड़ 1 लाख कमा के मेरे को 32,42,100 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में 2,42,100 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 2 लाख
42,100 रुपीस देना पड़ रहा है, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में। तो ऐसे केस में क्या मिलती है? मार्जिनल रिलीफ। ऐसे केस में क्या मिलती है? मार्जिनल रिलीफ। देख लो, 1 करोड़ 1 लाख किसने कमाए, 32,42,100 रुपये का टैक्स बना, इसके बाद बेचारे के पास नेट कितना बचा देख लो, निकाल के देखो नेट। और अगर 1 करोड़ ही कमाता और 30 लाख का टैक्स बना, नेट कितना बचता है इसके पास? 70 लाख की इसके पास नेट इनकम होती आफ्टर टैक्स। और पहले केस में कितनी हुई निकालो, 68,57,900, 70 लाख की होती है अगर 1 करोड़ कमाता तो। इसके पास ज्यादा रुपए बचते बल्कि, तो ये बोलो मैंने ऐसा क्या गुना कर दिया, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा के, जेब से 2,42,100 रुपए जा रहे हैं, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए इसने, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाए और जा कितने रहे हैं जेब से, 2,42,100 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या मिलती है? मार्जिनल रिलीफ। ऐसे केस में क्या मिलती है? मार्जिनल रिलीफ। अभी मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है वही मैं बताऊंगा आपको, मार्जिनल रिलीफ ऐसे केस में कैसे मिलती है, क्या मिलती है। तो गवर्नमेंट बोलती है चलो आपके साथ ऐसा हुआ, आप ऐसा करो कि ये केस हो गया आपके साथ, तो आप ऐसा करो कि 1 करोड़ पे जो टैक्स बनता है एक तो आप वो दे दो। गवर्नमेंट क्या बोलती है? टैक्स टू बी पेड। गवर्नमेंट बोलती है आपको, आप क्या करो, 1 करोड़ पे जो टैक्स बन रहा है इस केस में, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी अलग केस होगा, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ जो अपन ने जूम किया उस पर जो टैक्स बन रहा है, तो टैक्स ऑन 1 करोड़ पर जो टैक्स बन रहा है एक तो वो दे दो आप, 1 करोड़ पर जो टैक्स बन रहा है वो दे दो, प्लस जो भी आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है 1 करोड़ से ऊपर, जो भी आपने एक्स्ट्रा कमाया है वो हमको दे दो, 1 करोड़ से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कमाया है वो आप हमको दे दो। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक्स्ट्रा इनकम अबव रुपीज 1 करोड़। तो गवर्नमेंट बोलती है 1 करोड़ पे जो टैक्स बनता है, 1 करोड़ पे कितना टैक्स बना था? 30 लाख। एक तो 30 लाख हमको दे दो आप, 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स मत दो आप, तो क्या करो 1 करोड़ पे जो टैक्स बनता है वो दे दो, प्लस आपने जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई है वो हमको दे दो। एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाई है इसने, एबीसी लिमिटेड ने 1 लाख कमाई है, 1 करोड़ से ऊपर कितनी कमाई है एक्स्ट्रा? 1 लाख। ये 1 लाख पूरा का पूरा हमको दे दो, ये आपका टैक्स मान लिया जाएगा। कितना मान लिया जाएगा? 31 लाख आपका टैक्स टू बी पेड मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा आपका टैक्स टू बी पेड। जबकि आपका टैक्स कितना बनता है एज पर प्रोविजन? 32,42,100, क्योंकि आपकी इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख की है, तो आपका टैक्स कितना बनता है? 32,42,100 का बनता है, लेकिन आप कितना टैक्स पे कर दो? 31 लाख पे कर दो आप, कितना कर दो? 31 लाख। और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ कितना होता है? टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम माइनस टैक्स टू बी पेड, ये होता है मार्जिनल रिलीफ। टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम कितना बना? 32,42,100, ये बना था आपका टैक्स एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, यही बना था सरचार्ज वगैरह लगा के। गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप तो 31 लाख दे दो हमको, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट ने आपको कितने की रिलीफ दे दी? 1,42,100 की रिलीफ दे दी इस केस में, ये होती है मार्जिनल रिलीफ। ये क्या होती है? मार्जिनल रिलीफ। ये आ गई आपकी मार्जिनल रिलीफ, 1,42,100 की ये आ गई आपकी मार्जिनल रिलीफ, ये होती है मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट कितना टैक्स मांगी? आपका बन तो कितना रहा था एज पर प्रोविजन? 32,42,100 का बन रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला? आप क्या करो, 1 करोड़ पर जो टैक्स बनता है वो दे दो, और 1 करोड़ से पर जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपकी वो दे दो। 31 लाख गवर्नमेंट ने आपने मांग लिए, तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया? 1,42,100 का, ये हो गई आपकी मार्जिनल रिलीफ। अब आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करोगे? 31 लाख गवर्नमेंट मांग रही है, तो टोटल टैक्स पेबल क्या हो जाएगा आपका? टोटल टैक्स पे बताओ कितना हो जाएगा? 31 लाख प्लस एंड में अब ऐड कर दो क्या? 4% सेस। अब 31 लाख पे ऐड कर दो, गवर्नमेंट आपसे कितना मांग रही है? 31 लाख मांग रही है, इसी पे सेस ऐड करके गवर्नमेंट को जमा करवा दो, ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल, ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल। तो मार्जिन रिलीफ की कैलकुलेशन भी सेस से पहले ही होती है, एजुकेशन सेस से पहले ही होती है, टोटल टैक्स पेबल निकालते हैं एंड में, तब अपन सेस ऐड करते हैं। अब एक बार फिर से ये एग्जांपल देख लो, पहले मैंने बताया आपको मार्जिन रिलीफ कब मिलती है, जब आपकी इनकम, जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है, जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण, तो आपको एक मार्जिन रिलीफ मिलती है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? जब आपकी
इनकम जो है जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, या तो या जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है, सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तब आपको मिलती है मार्जिन रिलीफ। अब वो कंसेप्ट पूरा ऐसा नहीं है कि 2 लाख ज़्यादा हो 1.5 लाख, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स क्राइटेरिया हो सकता है 1.5 लाख हो 2 लाख हो, थोड़ा बहुत फिक्स नहीं है कुछ भी। तो अब कैसे मिलती है, क्या मिलती है, मैंने आपको एग्जांपल लिया, एक कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी एबीसी लिमिटेड, टर्नओवर प्रीवियस ईयर 1920 का 402 करोड़ का है, टोटल इनकम इस कंपनी की कितनी आई 1 करोड़ 1 लाख की आई, तो 30% की टैक्स रेट लगेगी क्योंकि टर्नओवर 402 करोड़ का है, 400 करोड़ से ज़्यादा है। अब इसकी इनकम पे अपने टैक्स निकाला तो टैक्स बना इसका 30,30,000 का, सरचार्ज ऐड किया ये बन गया 32,42,100 का, 1 करोड़ 1 लाख की इनकम पे। मान लो इसकी इनकम 1 करोड़ ही होती, 1 करोड़ पे तो टैक्स 30 लाख ही बनता, सरचार्ज लगता ही नहीं, तो इस बेचारे ने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाए इस डोमेस्टिक कंपनी ने, और बदले में टैक्स कितना बन गया एक्स्ट्रा 2,42,100 रुपये। ऐसे केस में क्या मिलती है आपको, मार्जिन रिलीफ। कितनी मिलती है, गवर्नमेंट बोलती है जो आपका 1 करोड़ पे टैक्स बना वो दे दो, प्लस एक्स्ट्रा इनकम जो भी आपने कमाई वो दे दो, और जो टैक्स टू बी पेड होता है, आपका ओरिजिनल टैक्स बन रहा था 32,42,100 का, और गवर्नमेंट ने कितने मांगे आपसे 31 लाख, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाता है, मार्जिनल रिलीफ। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, मार्जिनल रिलीफ। जो आपका ओरिजिनल टैक्स बन रहा था और जो गवर्नमेंट ने आपसे मांगे, उन दोनों का डिफरेंस, जो ओरिजिनल टैक्स बन रहा था जो गवर्नमेंट ने आपसे मांगे, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, मार्जिनल रिलीफ। अब जो आपने गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने आपसे मांगे उस पे आप 4% सेस ऐड करके गवर्नमेंट को जमा करवा दो, ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल। इस तरह से कैलकुलेट होती है मार्जिनल रिलीफ, इस तरह से कैलकुलेट होती है मार्जिनल रिलीफ। ये था एग्जांपल, किसी को नोट डाउन करना है एग्जांपल तो एक बार एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं एक बार इसके स्टेप्स लिखवा देता हूँ, फिर अपन इसके आगे के एग्जांपल और कंटिन्यू करेंगे। ये तो समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब पहले स्टेप्स लिखवा देता हूँ इसको कैलकुलेट करने की। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन रिलीफ। स्टेप वन, सबसे पहले क्या करोगे स्टेप वन में, कैलकुलेट टैक्स ऑन ओरिजिनल टोटल इनकम, जो भी आपको इनकम दे रखी है टोटल इनकम, ओरिजिनल जो टोटल इनकम दे रखी है उस पर टैक्स निकाल लेना विदाउट सेस। सेस ऐड मत कर देना अभी, कुछ लोग जल्दबाजी में एजुकेशन सेस ऐड कर देते हैं, बिना सेस के निकालना है आपको, मार्जिन रिलीफ की कैलकुलेशन बिना सेस के होती है। तो जो भी ओरिजिनल टोटल इनकम दे रखी है उस पर टैक्स निकाल देना। अब इनकम क्या दे रखी होगी आपको, ऐसी इनकम दे रखी होगी जो आपके जहां सरचार्ज लगता है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, या तो या जहां सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, वैसे इनकम दे रखी होगी। जैसे इंडिविजुअल के केस में आपको इनकम दे रखी होगी 50 लाख से थोड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब 51 लाख की दे दी, 50 लाख 50,000 की दे दी, या 1 करोड़ पे रेट चेंज होती है 1 करोड़ के आसपास की इनकम दे दी, या 2 करोड़ के आसपास की इनकम दे दी, या 5 करोड़ के आसपास की इनकम दे दी इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। फर्म के केस में 1 करोड़ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा अबव इनकम दे दी, मतलब 1 करोड़ पे रेट चेंज होती है, सरचार्ज की रेट लगती है ना, तो 1 करोड़ से के आसपास की इनकम दे दी। कंपनी के केस में, डोमेस्टिक कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में 1 करोड़ के आसपास की इनकम दे दी, जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था अपन ने 1 करोड़ 1 लाख का, या 10 करोड़ के आसपास की इनकम दे दी, थोड़ी बहुत ज़्यादा देगा, थोड़ी बहुत इनकम ज़्यादा देगा। तो उस इनकम पे आप ओरिजिनल इनकम पे क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो बिना सेस के। क्वेश्चन में आपको घबराने की नीड नहीं है, वो क्वेश्चन में लिख देगा मार्जिन रिलीफ वगैरह निकालो। तो ओरिजिनल टोटल इनकम पे आप क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो बिना सेस के, टैक्स प्लस सरचार्ज ऐड करके टैक्स निकाल लो स्टेप वन में। अब इसके बाद स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करना है, इसमें आपको टैक्स निकालना है कैलकुलेट टैक्स ऑन, टैक्स निकालना है आपको किसके ऊपर निकालना है वो मैं लिख देता हूँ, ₹50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, ये हो गया
इंडिविजुअल का केस ₹1 करोड़ हो गया, फर्म वगैरह का केस और ₹1 करोड़ 10 करोड़ हो गया कंपनी का केस। एज पर केस जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग, और ये भी कैसे विदाउट सेस। मैंने क्या बोला, पहले स्टेप में तो जो भी आपको ओरिजिनल इनकम दे रखी है 51 लाख या 1 करोड़ 1 लाख या मान लो 10 करोड़ 2 लाख या 50 लाख 50,000 जो भी इनकम दे रखी है ओरिजिनल टोटल इनकम, उस पर टैक्स निकाल लो विदाउट सेस, टैक्स प्लस सरचार्ज लगा के टैक्स निकाल लो। फिर आपको टैक्स निकालना है उसके आसपास की इनकम। आसपास की इनकम कैसे, मैंने क्या बोला मार्जिन रिलीफ कब लगती है, कब मिलती है मार्जिन रिलीफ, कब मिलती है जब आपकी इनकम जहां सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, जहां सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी बहुत का कोई क्राइटेरिया नहीं है, थोड़ी बहुत लाख रुपये 50,000 10,000 20,000 1.5 लाख 2 लाख इतनी होती है लगभग, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। या जहां सरचार्ज की रेट चेंज होती है, जहां सरचार्ज लगना स्टार्ट होती है या तो वो या जहां सरचार्ज की रेट चेंज होती है वहां, तो उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस इनकम के आसपास की इनकम, जैसे आपको ओरिजिनल टोटल इनकम दे रखी है मान लो 51 लाख इंडिविजुअल की, तो बताओ टैक्स किस पे निकालोगे दूसरे स्टेप में 50 लाख। तो इंडिविजुअल के केस में कौन कौन सा केस हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का हो सकता है, 2 करोड़ का हो सकता है, 5 करोड़ का हो सकता है, कैसे हो सकता है। मान लो आपको ओरिजिनल इनकम दे रखी है इंडिविजुअल की 5 करोड़ 1 लाख, तो आप सेकेंड स्टेप में टैक्स कितने पे निकालोगे 5 करोड़ पे। मान लो आपको ओरिजिनल इनकम दे रखी है इंडिविजुअल की 2 करोड़ 50,000, तो सेकेंड स्टेप में कितने निकलेगा 2 करोड़ पे। मान लो आपको ओरिजिनल इनकम इंडिविजुअल की दे रखी है 1 करोड़ 20,000, तो सेकंड स्टेप में कितने में लगेगा 1 करोड़। मान लो आपको ओरिजिनल इनकम इंडिविजुअल की दे रखी है 51 लाख, तो सेकंड स्टेप में कितने में लगेगा टैक्स 50 लाख पे। उसके आसपास की इनकम पे टैक्स निकाल लो एज पर केस, जो भी केस। फर्म के केस में मान लो फर्म की आपको इनकम दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख, तो सेकंड स्टेप में टैक्स कितने में निकलेगा 1 करोड़, क्योंकि फर्म के केस में एक ही जगह सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है तो लगता ही नहीं। कंपनी के केस में दो जगह, 1 करोड़ से लगना स्टार्ट होता है, 10 करोड़ पे रेट चेंज होती है। तो मान लो कंपनी की आपको इनकम दे रखी है 1 करोड़ 50,000 या 1 करोड़ 1 लाख, तो दूसरे स्टेप में कितने में निकालोगे टैक्स 1 करोड़ पे। मान लो कंपनी की आपको इनकम दे रखी है 10 करोड़ 50,000 या 10 करोड़ 1 लाख मान लो, तो दूसरे स्टेप में टैक्स कितने में निकालोगे 10 करोड़। उसके आसपास की इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। आसपास की इनकम कितनी हो सकती है इंडिविजुअल के केस में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के केस में। फर्म के केस में, फर्म वगैरह के केस में 1 करोड़, कंपनी के केस में 1 करोड़ हो सकती है या तो या 10 करोड़। वो एज पर केस निकाल लो, ये भी बिना सेस के निकालोगे। किसके निकालोगे, बिना सेस के निकालोगे। दो स्टेप हो गई, फिर आप निकालनी है आपको स्टेप 3। इसमें निकालना है आपको टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड निकालना है। कैसे निकालोगे, गवर्नमेंट क्या मांगती है आपको, स्टेप टू में जो टैक्स बना उसके आसपास की इनकम पे जो टैक्स बना, स्टेप टू में जो टैक्स बना आसपास की इनकम पे जो टैक्स बना वो दे दो तो गवर्नमेंट को, प्लस एक्स्ट्रा इनकम उस आसपास की इनकम से जितना आपने एक्स्ट्रा कमाया। मान लो आपकी 51 लाख की इनकम थी इंडिविजुअल की, आसपास की इनकम 50 लाख, 50 लाख से ऊपर आपने कितना कमाया 1 लाख। मान लो इंडिविजुअल की इनकम थी 1 करोड़ 50,000 की, 1 करोड़ 50,000 की आसपास की इनकम क्या हो गई 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर कितना कमाया 50,000। तो जो आसपास की इनकम से आपने जितना एक्स्ट्रा कमाया, एक्स्ट्रा इनकम जो कमाई वो इसमें ऐड कर दो, वो बन जाएगा आपका टैक्स टू बी पेड। गवर्नमेंट इतना आपसे मांगेगी स्टेप 3। अब मार्जिनल रिलीफ क्या हो जाएगी, स्टेप 4 में निकल जाएगी मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ और ये कितनी होगी, ये होगी स्टेप 1। ओरिजिनल में आपका कितना टैक्स बनता था, ओरिजिनल में कितना टैक्स बनता था माइनस स्टेप 3, गवर्नमेंट ने आपसे कितना टैक्स मांगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मार्जिनल रिलीफ। स्टेप 1 ओरिजिनल टैक्स, स्टेप 3 क्या है टैक्स टू बी। ओरिजिनल में आपका जितना टैक्स बनता था उसमें से क्या लेस कर दो, जो आपका गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा। ऊपर देखो यही किया था अपन ने, यही स्टेप फॉलो किए थे और अपन ने निकाली थी मार्जिनल रिलीफ, और ये स्टेप मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले क्या करो, जो भी आपको ओरिजिनल इनकम दे रखी है टोटल इनकम उस पर टैक्स निकाल दो बिना सेस के। उसके आसपास की इनकम पे टैक्स निकालो, इंडिविजुअल के केस में 50 लाख हो सकती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हो सकती है। फर्म के केस में 1 करोड़ हो सकती है, कंपनी के केस में 1 करोड़ या 10 करोड़ हो सकती है। उसके आसपास की इनकम पे टैक्स निकालो बिना सेस के। टैक्स टू बी पेड, गवर्नमेंट क्या टैक्स मांगेगी आपसे, उसके आसपास की इनकम पे जो टैक्स बनता था स्टेप 2, एक तो वो ले लो प्लस एक्स्ट्रा जो भी कमाया वो ले लो, ये गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। मार्जिन रिलीफ क्या हो जाएगी स्टेप 1 माइनस स्टेप 3।
ओरिजिनल में क्या टैक्स बनता था और गवर्नमेंट ने क्या टैक्स मांगा, इन दोनों डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन सेस से पहले निकलेगी, बिना सेस के निकलेगी। अब गवर्नमेंट को टैक्स कितना जमा करवाना है, टैक्स टू बी पेड जो आया इसमें 4% सेस ऐड करके गवर्नमेंट को जमा करवा दो, काम आपका खत्म हो जाएगा। अब इसके अपन कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, ये मार्जिन रिलीफ की कैलकुलेशन की स्टेप हो गई। एक एग्जांपल ले लिया था मैंने मार्जिन रिलीफ का, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। एक पर्सन है मिस्टर रोहित, इसकी टोटल इनकम आपको दे रखी है 51 लैक्स की। इंडिविजुअल है मिस्टर रोहित, टोटल इनकम कितनी दे रखी है 51 लैक्स की। अब अपन कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं इसकी। ये आपको दे रखा है, सबसे पहले स्टेप वन करेंगे अपन, क्या करेंगे, टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम। ओरिजिनल इनकम कितनी है, 51 लाख की इनकम है, इस पर अपन टैक्स निकालेंगे, 51 लाख पे टैक्स निकालेंगे, मिस्टर रोहित का स्लैब लगाएंगे। अब स्लैब में भी कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मिस्टर रोहित दे रखा है, इंडिविजुअल दे रखा है, 2.5 लाख वाला लगाएं, 3 लाख वाला लगाएं, 5 लाख वाला लगाएं। देखो कुछ भी नहीं बोल रखा ना, हमेशा अपन को 2,50,000 वाला स्लैब लगाना है। ऐसा नहीं कि इसको अपन 60 ईयर्स का मान ले या 80 का मान ले, ऐसा मत मान लेना, हमेशा कौन सा लगाना है 2,50,000 का लगाना है, ये बात हमेशा याद रखना। कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन इसको नॉर्मल इंडिविजुअल मानेंगे, 60 ईयर से कम का मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे। तो 51 लाख पर स्लैब लगाते हैं अपन, 2.5 लाख वाला स्लैब लगा के पहले टैक्स निकाल लेते हैं, अप टू 2.5 लाख कितना जाएगा, नील 2.5 लाख से 5 लाख पे कितना जाएगा, 5% लगेगा, 12,500 आ जाएगा, लगा के देख लो। चाहे 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे कितना जाएगा, 20% लगेगा, ये आ जाएगा 1 लाख। और अबाउ 10 लाख कितनी इनकम है, अबाउ 10 लाख कितनी इनकम है इसकी, 41 लाख की है। 10 लाख से ऊपर कितनी इनकम है, 51 लाख है टोटल, तो 10 लाख से ऊपर कितनी हो गई, 41 हो गई। तो 41 पे कितना लग जाएगा, 30% लगा के देखो कितना आया, 12,30,000 का ये आ गया। कितना बन रहा है टोटल करो, 13,42,500 का ये बना, इसका टैक्स बना, ये टैक्स बना। इस पर अपन ऐड कर देते हैं सरचार्ज, एट द रेट सरचार्ज लगेगा इस पे ऊपर, क्यों लगेगा, 50 लाख से इनकम ज़्यादा है, इंडिविजुअल की अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है सरचार्ज लगता है, 50 लाख तक नहीं लगता, 50 लाख से ज़्यादा पे कितना लगता है, अप टू 1 करोड़ तक है 50 लाख से ज़्यादा है तो 10%, कितना लगेगा, 10% ऑफ टैक्स, किसका लगेगा, टैक्स का लगेगा 10%, टैक्स का 10% करो, ये टैक्स आया था, टैक्स का 10% करोगे कितना आएगा, 1,34,250 ये लग गया सरचार्ज। और टोटल कितना हो गया, 14,76,750 ये बन गया इसका टोटल टैक्स एज पर प्रोविजन। ओरिजिनल इनकम पे कितना टैक्स बना इसका, 14,76,750। अपन को मार्जिन रिलीफ निकालनी है, स्टेप टू में क्या करेंगे, अपन स्टेप टू में क्या करेंगे, इसके आसपास वाले इनकम पे टैक्स निकालेंगे। स्टेप टू में आसपास वाली इनकम, 51 लाख की इनकम है, आसपास की इनकम क्या लेंगे अपन, 50 लाख टैक्स ऑन 50 लाख, टैक्स ऑन रुपीज 50 लाख, 50 लाख पे टैक्स निकालेंगे, 50 लाख पे टैक्स निकालो, सेम वही अप टू 2,50,000 नील, 2.5 से 5 लाख पे 12,500, 5 लाख से 10 लाख पे 1 लाख, और अबाउट 10 लाख कितना हो गया, कितना हो गया इस केस में, 40 लाख्स, 40 लाख्स पे 30% कितना हो गया, 12 लाख्स, ये बन गया 13,12,500 ये टैक्स बन गया। बताओ सरचार्ज लगेगा क्या इस केस में, 50 लाख की इनकम में लगता है क्या सरचार्ज, इंडिविजुअल के केस नहीं लगता, 50 लाख तक नील होता है, तो प्लस सरचार्ज करोगे, क्या करोगे, सरचार्ज नील, और इसका टैक्स कितना बना, 13,12,500। अगर ये 50 लाख ही कमाता तो टैक्स देना पड़ता 13,12,500, 51 लाख कमाने पे कितना टैक्स देना पड़ रहा है इसको, 14,76,750। अब स्टेप 3 करेंगे अपन,
टैक्स टू बी पेड निकालेंगे, टैक्स टू बी पेड क्या होता है, स्टेप टू प्लस एक्स्ट्रा इनकम, यही तो होता है। 50 लाख पे कितना टैक्स बन रहा था इसका, 13,12,500, 13,12,500 प्लस एक्स्ट्रा इनकम इसने कितनी कमाई, 51 लाख कमाई है। 50 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा कितनी कमाई, आसपास वाले इनकम से एक्स्ट्रा कितनी कमाई, कितनी कमाई बताओ, 51 लाख माइनस 50 लाख कितनी आई, 1 लाख कमाई। तो गवर्नमेंट बोल रही है इसको तू कितना टैक्स दे दे, तू दे दे 14,12,500 हमको दे दे, 14,12,500 ये टैक्स मांग रही है। मार्जिनल रिलीफ क्या हो जाएगी, मार्जिनल रिलीफ कितनी हो जाएगी, मार्जिनल रिलीफ स्टेप वन माइनस स्टेप थ्री, स्टेप वन में कितना टैक्स बन रहा था, ओरिजिनल टैक्स कितना बन रहा था इसका, 1476,750 का बन रहा था, और गवर्नमेंट ने कितने मांगे इससे, 14,12,500 गवर्नमेंट ने इससे मांगे, तो कितने रिलीफ मिल गए इसको, 64,250 की इसको रिलीफ, 64,250 की इसको मार्जिन रिलीफ मिल गई। अब गवर्नमेंट को कितना जमा करवाएंगे अपन, 14,12,500 14,12,500 जो बना इस पर 4% से सेट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे, तो टैक्स टू बी पेड ओरिजिनल कितना होगा, ओरिजिनल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल कितना हो जाएगा, 14,12,500 प्लस 4% सेस, प्लस 4% सेस, ये निकल गई मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन बिना सेस की होती है, बिफोर सेस होती है, बिफोर सेस अपन कैलकुलेट करते, बीच में सेस वगैरह मत घुसा देना, सेस वगैरह घुसा दोगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपका। और ये हर केस में नहीं मिलती, मान लो इसकी इनकम 55 लाख होती ना, 55 लाख नहीं निकलती, निकाल के देख लो, 54 लाख पे भी नहीं निकलती, 53 पे भी शायद नहीं निकलती, हाँ 52 पे निकल जाती, 51 लाख 50,000 पे भी निकल जाती, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है, जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है या जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है, उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में निकलती है मार्जिन रिलीफ। आप 55 लाख पे निकाल के देखना, नेगेटिव आ जाएगी, निकलेगी नहीं, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव तो मिलेगी नहीं आपको। तो ये था एक और एग्जांपल, अगर आपको कॉपी करना है एग्जांपल तो कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन इसको समझने के लिए, एग्जांपल थ्री, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, इसकी आपको टोटल इनकम दे रखी है 10 करोड़ 1 लाख, कितनी दे रखी है, 10 करोड़ 1 लाख की दे रखी है। इसका आपको बता रखा टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 1920 रुपीस 450 करोड़ का इसका 1920 का टर्नओवर आपको बता रखा है, 10 करोड़ 1 लाख की टोटल इनकम दे रखी है। वही करते हैं अपन, इसके सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन टैक्स निकालते हैं ओरिजिनल इनकम पे, टैक्स ऑन 10 करोड़ 1 लाख, यही करेंगे स्टेप वन में, स्टेप वन में तो ये करेंगे टैक्स ऑन 1 लाख, 10 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालो ओरिजिनल इनकम में। तो लगाओगे आप टैक्स 30% की रेट लगाओगे, 30% क्यों लगाओगे, टर्नओवर देखो 400 करोड़ से ज़्यादा है 1920 का, तो 30% लगाओगे 10 करोड़ 1 लाख पे,
कितना आया लगाओ, ये आ गया 3 करोड़ 30,000 का आ गया, 3 करोड़ 30,000 का टैक्स आ गया। सरचार्ज लगेगा 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, सरचार्ज तो लगेगा ही इसमें तो। क्या रेट से लगेगा, डोमेस्टिक कंपनी है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम है तो 7 लगेगा, 12 लगेगा, 12%। कितना लगेगा, 12% ऑफ टैक्स, पूरे टैक्स में क्या लगेगा 12, ये फ्लैट रेट होती है सरचार्ज की, तो पूरे टैक्स में कितना लगेगा 12% ऑफ टैक्स, 12% करो टैक्स का, 12% करना, ये आ गया 36,03,600, यही आया, देख लो एक बार करके देख लो, और टोटल बन गया अब आपका 3,36,33,600, ये आपका टोटल टैक्स बन गया प्लस सरचार्ज, अभी सेस ऐड नहीं किया अपन ने इसमें। अब अपन निकालेंगे टैक्स आसपास की इनकम पे, टैक्स ऑन 10 करोड़, आसपास की इनकम 10 करोड़ ही है, 1 पे मत निकाल देना, 1 आसपास की इनकम नहीं है, 10 करोड़ आसपास की इनकम, तो इस पर टैक्स कितना बनेगा, 30% इंटू 10 करोड़, ये बन गया 3 करोड़ का टैक्स बन गया, प्लस सरचार्ज लगेगा क्या 10 करोड़ पे, हाँ लगेगा, लेकिन सरचार्ज की रेट क्या रहेगी बताओ, कितनी रहेगी 7%, अप टू 1 करोड़ नहीं लगता कंपनी पे, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ है तो 7%, 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 12 लगता है, तो सेकंड केस क्या लिया अपने, कितना जूम किया 10 करोड़, तो 10 करोड़ पर कितना लगेगा 7% ऑफ टैक्स, तो 7% करो इसका, ये आ गया 21 लाख का सरचार्ज, और ये बन गई 3 करोड़ 21 लाख की टैक्स प्लस सरचार्ज, ये आपका टैक्स प्लस सरचार्ज बन गया। अब निकालोगे आप क्या, टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड निकालो, टैक्स टू बी पेड कितना बनेगा, टैक्स टू बी पेड स्टेप टू 3 करोड़ 21 लाख का बना, प्लस एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाई है आपने, जो पास आसपास की इनकम है 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाई है 10 करोड़, 1 लाख, मतलब 1 लाख, 1 लाख कमाई है ना, प्लस 1 लाख ऐड कर दो, ये एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, लेकिन कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, हाँ 4-5 लाख नहीं हो सकती है, 2 लाख से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, निकाल के देखना पड़ेगा वो, लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कभी आ सोचो कोई क्राइटेरिया है, क्वेश्चन में आपको टेंशन लेने के लिए नहीं है, वो देगा एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेगा कि मार्जिन रिलीफ निकालो, तो कितना टैक्स गवर्नमेंट आपसे मांग रही है, 3 करोड़ 22 लाख का, 3 करोड़ 22 लाख का गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग रही है, मार्जिनल रिलीफ कितनी हो गई, ओरिजिनल में टैक्स कितना बनता था आपका 33,600, 33,600, 3,36,33,600, 3,36,33,600 का, और गवर्नमेंट ने कितना मांगा 3,22,00,000 का, इनका डिफरेंस अमाउंट ही क्या हो गया आपके लिए, मार्जिनल रिलीफ कितना आया 14,33,600 का, ये आ गया आपका मार्जिनल रिलीफ, ये आ गया आपका मार्जिनल रिलीफ, ये आ गया मार्जिनल रिलीफ, सेम वही किया अपन ने, स्टेप में वैल्यू डाली और कुछ नहीं किया, बस आपको रेट्स वगैरह आनी चाहिए तो आराम से आप मार्जिनल रिलीफ निकाल सकते हो, टैक्स रेट वगैरह याद होनी चाहिए आपको, टैक्स रेट सरचार्ज रेट। अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा कराओगे, 3,22,00,000 प्लस 4% से, ऐसा भी ऐड नहीं किया था अपन ने, एंड ही एंड में अपन ऐड करके जमा करवा देंगे, ये था मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट, कॉपी करना है एग्जाम्पल तो कर सकते हो। अब आप होमवर्क में करना,
मार्जिन रिलीफ की प्रैक्टिस, उसके लिए मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक पर्सन है मिस्टर रोहन, इसकी टोटल इनकम आपको दे रखी है, दो केस दे रखे हैं। एक में तो दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख और एक केस में दे रखी है 5 करोड़ 1 लाख। आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करनी है दोनों केस में। एक ये केस वन हो गया, ये केस टू हो गया। मिस्टर रोहन इंडिविजुअल है, टोटल इनकम दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख एक केस में और एक केस में 5 करोड़ 1 लाख। ये आप लिख लो, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना कितनी आती है मार्जिनल रिलीफ। ऐसे इलस्ट्रेशन आपके मॉड्यूल में भी दे रखे हैं छोटे मोटे मार्जिनल रिलीफ के, कभी कभार इनका 2 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है, तो ये आप प्रैक्टिस करना। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। मार्जिनल रिलीफ अपने देख ली, अब एक कंसेप्ट देख रहे अपन, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है ये देख लो आप। टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, डिवाइड बाई टोटल इनकम इनटू 100। ये एवरेज रेट का एक कंसेप्ट है। एवरेज रेट आपके काम डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर है वहाँ एक काम आएगा, एक अपन एओपी बीओआई का जब टैक्सेशन सीखेंगे तब भी ये काम आता है। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलती कैसे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते कैसे, आप किसी भी पर्सन की इनकम दे रखी है मान लो टोटल इनकम, उस पर टोटल टैक्स निकाल लो। अगर सरचार्ज लगता है सरचार्ज भी लगा दो, सेस तो लगेगा ही, तो टोटल टैक्स निकाल लो, उसको टोटल इनकम से डिवाइड, जो टोटल इनकम दे रखी है उसे डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, आ जाएगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स। क्या आ जाएगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, इसकी टोटल इनकम दे रखी है आपको 12 लाख की, 12 लाख पे टैक्स निकालो पहले। तो पहले टैक्स निकालोगे आप कितना आएगा, टैक्स निकालो आप, ऊपर निकाला भी था अपन ने 2.5 लाख तक नील, फिर 12,500, 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख पे 1 लाख, और अबोव 10 लाख 2 लाख पे कितना आ जाएगा 30%, 60,000। ये बन गया 1,72,500 का टैक्स बन गया। टैक्स बन गया, सरचार्ज लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 50 लाख तक नहीं लगता इंडिविजुअल के केस में, 50 लाख से ज़्यादा होती है तो लगता है, सरचार्ज लगेगा नहीं, सेस, सेस तो लगेगा, सेस लगाओ एट द रेट 4%, लगाओ सेस, ये लगा 6,900 का, टोटल करो ये आ गया 179,400, ये आ गया टोटल टैक्स, टोटल टैक्स पेबल आ गया कितना 179,400। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लिए, कैसे निकालोगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स को टोटल इनकम से डिवाइड कर दो, 179,400 को कैसे डिवाइड कर दो, टोटल इनकम कितनी है 12 लाख की थी ना मिस्टर ए की, 12 लाख से डिवाइड कर दिया, इनटू 100 कर दिया, ये आ गई एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितनी आई, निकालो ये आई 14.95%, ये आई 14.95%, ये आती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। कैसे निकालते हैं, टोटल टैक्स जो भी आपका बना इंक्लूडिंग सरचार्ज, अगर सरचार्ज लगता है तो प्लस सेस तो करेंगे, डिवाइड कर दो टोटल इनकम से, इनटू 100 कर दो, ये आ गई एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो मिस्टर ए ने किस एवरेज रेट से टैक्स दिया, 14.95% की रेट से टैक्स दिया, 100 रुपये पे 14.95 रुपये का टैक्स दिया, एक इस अकॉर्डिंग ये निकला 14.95% की रेट से क्या दिया, टैक्स दिया मिस्टर ए ने। ये होती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अभी काम नहीं आएगा ये, जब अपन डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर पढ़ेंगे तब ये काम आएगा, और एक एओपी बीओआई का अपन जब टैक्सेशन सीखेंगे ना तब ये काम आएगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब एक होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जिसको अपन क्या बोलते हैं MMR
एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट एमएमआर अपन देख रहे हैं। अभी मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है ये भी अपन देख लेते हैं पर। हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल प्लस हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑफ इंडिविजुअल प्लस सेस एट द रेट 4%। क्या होती है मैक्सिमम मार्जिन रेट? इंडिविजुअल की जो हाईएस्ट स्लैब रेट होती है, बताओ इंडिविजुअल की हाईएस्ट स्लैब रेट कितनी होती है? इंडिविजुअल पे हाईएस्ट स्लैब में कितनी रेट से टैक्स लगता है, बताओ कितनी रेट से लगता है, बताओ कितनी रेट होती है? 30%। कितनी होती है? 30% ही होता है। स्लैब नील होता है एक, तो फिर 5%, फिर 20, फिर 30। 30 से ऊपर थोड़ी होता है इंडिविजुअल का कोई स्लैब। 30% प्लस हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑफ इंडिविजुअल। सरचार्ज रेट क्या है इंडिविजुअल पे हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितनी है? 37%। 37% लगता है ना 5 करोड़ से ज़्यादा पे, तो हाईएस्ट सरचार्ज कितना लगता है? 37% ऑफ टैक्स किसका लगता है? टैक्स का लगता है। प्लस सेस की रेट तो 4% है, 4 से ज़्यादा है ही नहीं, प्लस 4% ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज, इन तीनों को ऐड कर दो, यही क्या आ जाएगी आपकी एमएमआर। डायरेक्ट ऐड मत कर देना 30, 37, 4, ऐसे ऐड करके आपने 71 निकाल दिया, ऐसे नहीं करना। 30% प्लस 37% ऑफ टैक्स, मतलब 37% करना है किसका? 30 का। फिर उसके बाद 4% करना है किसका? टैक्स और सरचार्ज जो आया उनके टोटल का, करके देखो कितना आएगा। ये आएगा देखो 30% टैक्स हो गया, 37% करेंगे अपन 30 का, 37% करो 30 का, 37% करो 30 का, कितना आएगा? ये आ जाएगा 11.1%, 11.1% आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या करो, टैक्स और सरचार्ज के टोटल का 4%, 30 प्लस 11.1, 30 प्लस 11.1, 41.1 का 4% करो, ये है 1.644%। इन तीनों का टोटल कर दो, ये हो गया 42.744%। ये आ गई आपकी एमएमआर, कितनी आई? 42.744%। ये होती है एमएमआर, इसको अपन बोलते हैं एमएमआर। ये होती है क्या? एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। हाईएस्ट स्लैब रेट इंडिविजुअल की ले लो, प्लस हाईएस्ट सरचार्ज ले लो इंडिविजुअल का, प्लस सेस कर दो एट एट द रेट 4%, 42.744%। ये आ गई आपकी एमएमआर, 42.744%। ये एमएमआर भी आगे अपने काम आएगी कैलकुलेशन में, तब अपन देखेंगे आगे जब काम आएगी ये। अब अपन आगे कंटिन्यू कल करेंगे, आज अपन ने एक बार जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। आज अपन ने जनरल टैक्स रेट से स्टार्ट करी थी। जनरल टैक्स रेट सबसे पहले अपन ने देखी थी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन पे लगता है स्लैब। स्लैब क्या होता है इनका? अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख वाले इनकम पे 20% और अबाउट 10 लाख वाले इनकम पे 30%। एग्जाम्पल से अपन ने सीखा था स्लैब कैसे लगाते हैं। फिर अपने देखा कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 60 ईयर्स है उससे ज़्यादा है लेकिन लेस देन 80 ईयर्स है, या तो प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर के पहले दिन भी ऐसा है तो भी इसमें कवर हो जाएगा। मतलब अगर उस पर्सन का बर्थडे 60th बर्थडे का वार है असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे, तो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसको अपन बोलेंगे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अबाउट 10 लाख 30%। फिर अपने देखा कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन या असेसमेंट ईयर के पहले दिन, तो बन जाएगा रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, 5 लाख तक नील है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अबाउट 10 लाख 30%। अब रेजिडेंट जो इंडिविजुअल होते हैं उनको एक रिबेट मिलती है 87A की, अगर उनकी टोटल इनकम कितनी है अप टू 5 लाख तक है। रिबेट कितनी मिलती है? 12,500 और टैक्स अमाउंट इन दोनों में से जो भी लेस आएगा। इस जो ये रिबेट है, ये रिबेट एक इनकम से नहीं मिलती। कौन सी इनकम से? जो कैपिटल गेन होता है 112A वाला, 112A वाला कैपिटल गेन होता है उससे नहीं मिलती। 112A वाला कैपिटल गेन आगे जाके पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा।
एग्जाम्पल से मैंने रिबेट सीखी। फर्म और लोकल अथॉरिटी पे स्लैट रेट लगती है 30% की। कंपनी पे दो तरह की कंपनी होती है, डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी या तो इंडियन कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट अपनी इंडिया वाली इनकम से करती है। इंडियन कंपनी या तो इंडियन कंपनी कौन होती है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में और जो इंडियन कंपनी सेक्ट में रजिस्टर्ड है। डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट क्या होती है, अगर इनका टर्नओवर या ग्रोस रेट डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 1920 का अप टू 400 करोड़ है तो 25%, और बाकी कोई भी केस है, मान लो आपको डाटा नहीं दे रखा या मान लो तब कंपनी थी ही नहीं या टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा था तो अदर केस में क्या लोगे, हमेशा 30%। फॉरेन कंपनी के केस में 40% की टैक्स रेट लगेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे स्लैब लगता है। स्लैब क्या लगता है, टोटल इनकम 10,000 तक है 10%, 10,000 से ज़्यादा अप टू 20,000 20% और अबव 20,000 वाली इनकम पे 30%। फिर अपने देखा सरचार्ज, टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगता है अमीर लोगों पे, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इनकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख तक है सरचार्ज नहीं लगेगा। टोटल इनकम देखेंगे सरचार्ज के लिए 50 लाख से ज़्यादा है अप टू 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ तक 25% ऑफ टैक्स, और अबव 5 करोड़ है तो 37% ऑफ टैक्स। और ये फ्लैट रेट है, स्लैब नहीं है, फ्लैट रेट है। सरचार्ज की जो रेट है हाईएस्ट रेट कौन सी, 25% वाली और 37% वाली। हाई रेट जो है 25% वाली और 37% वाली तीन इनकम पे अप्लाई नहीं होती। तीन इनकम पे मैक्सिमम कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। तीन इनकम कौन कौन सी, STCG 111 ने वाला, LTCG 112 वाला, 112A वाला और डिविडेंड इनकम। STCG 111 वाला, LTCG 112A वाला और डिविडेंड इनकम। सरचार्ज लगाना मैंने आपको बताया किस पे लगता है, ये हमेशा टैक्स पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता। फिर फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है 12% ऑफ टैक्स। फिर कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के केस में टोटल इनकम 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ 7% ऑफ टैक्स, अबव 10 करोड़ है तो 12% ऑफ टैक्स। फॉरेन कंपनी के केस में अप टू 1 करोड़ तक इनकम कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ तक है 2% ऑफ टैक्स, और अबव 10 करोड़ तक है तो 5% ऑफ टैक्स। फिर एंड एंड में क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। टैक्स और सरचार्ज के टोटल का लगेगा कितना लगेगा, 4% लगेगा, और सभी SSC पे लगेगा। और कब लगेगा, एंड एंड में। फिर अपने देखा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। ये क्या बोलता है, जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलती है। जब आपकी इनकम जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, या तो या जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट कैसे मिलता है, पूरा डिटेल में समझाया था। टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं पहले अपन, ओरिजिनल इनकम पे, फिर अपन आसपास की इनकम पे टैक्स निकालते हैं, टैक्स टू बी पेड निकालते हैं, और उसके बाद अपन मार्जिन रिलीफ निकालते हैं। स्टेप्स मैंने बताई थी, पहले सबसे पहले क्या करो, जो भी आपको ओरिजिनल इनकम दे रखी है उस पर टैक्स निकाल लो बिना सेस के। फिर उसके आसपास की इनकम पे टैक्स निकालो। इंडिविजुअल के केस में 4 केस हो सकते हैं, या तो 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, क्योंकि ये 4 केस हैं जहाँ पे या तो सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है या सरचार्ज की रेट चेंज होती है। फर्म के केस, फर्म वगैरह के केस में 1 करोड़ वाला एक केस हो सकता है क्योंकि 1 करोड़ पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है। कंपनी के केस में 2 केस हो सकते हैं, या तो 1 करोड़ का केस या 10 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है और 10 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है। तो उसके आसपास की इनकम पे टैक्स निकाल लो बिना सेस के। टैक्स टू बी पेड क्या बोलती है गवर्नमेंट, स्टेप टू में जो टैक्स बना, मतलब आसपास की इनकम पे जो टैक्स बना वो प्लस एक्स्ट्रा इनकम जो कमाई वो आप गवर्नमेंट को दे दो। मार्जिन रिलीफ क्या हो जाएगी, ओरिजिनल टैक्स आपका जितना बनता था और गवर्नमेंट ने जो टैक्स मांगा उन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। ये था मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। अपन ने 2-3 एग्जांपल लिए इसको समझने के लिए, एक कंपनी का लिया, फिर अपन ने इंडिविजुअल के 2 एग्जांपल लिए, एक इंडिविजुअल का लिया, 2 अपने कंपनी के एग्जांपल लिए। फिर अपन ने देखा एवरेज रेट ऑफ टैक्स का कंसेप्ट। एवरेज रेट ऑफ टैक्स अभी काम नहीं आएगा, आगे अपने चैप्टर्स में काम आएगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होती है, टोटल टैक्स को आप टोटल इनकम से डिवाइड कर दो, टोटल टैक्स को आप टोटल इनकम से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एक कंसेप्ट देखा मैक्सिमम मार्जिनल रेट का, ये क्या होता है, इंडिविजुअल का हाइयर स्लैब, इंडिविजुअल का जो हाइयर स्लैब रेट होती है वो ले लो, इंडिविजुअल का जो हाइयर सरचार्ज रेट होती है वो ले लो, और सेस 4% ऐड कर दो, ये हो जाती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो हाइयर स्लैब क्या है इंडिविजुअल का 30%, हाइयर सरचार्ज रेट क्या है 37% ऑफ टैक्स, और सेस की रेट क्या है 4%, इनका टोटल कर दो ये आया 42.744%। ये याद रखना मार्जिनल, मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR आपको याद रखनी है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR आपको याद रखनी है, आगे काम आएगी। कितनी है 42.744%, 42.744%, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्पेशल टैक्स रेट देखेंगे। जनरल टैक्स रेट अपन ने देख ली, अब स्पेशल टैक्स रेट देखेंगे। स्पेशल टैक्स रेट 2 तरह की होती है, एक कंपलसरी स्पेशल रेट, एक ऑप्शनल स्पेशल रेट। कंपलसरी स्पेशल रेट तो अपन चैप्टर के साथ साथ भी देखते जाएंगे, कल मैं उनका ओवरव्यू भी दे दूंगा। कंपलसरी स्पेशल रेट जैसे लॉटरी की इनकम पे हो गई, कैपिटल गेन पे हो गई, वो कंपलसरी होती है कुछ, और कुछ ऑप्शनल स्पेशल रेट और हैं कंपनी के लिए, इंडिविजुअल वगैरह के लिए, वो भी कल अपन देखेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। स्पेशल टैक्स रेट और कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट है वो अपन इस चैप्टर के कवर करके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन अपन क्लास में सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।